Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial. And today in this lecture we are going to start about the classification of mammalia. We'll be learning about different subclasses of mammalia as well as different orders of class mammalia, and that would be the final lecture of animal kingdom. So let us start with the classification of mammalia, and finally we are on the last lecture of our chapter animal kingdom. See, जो class mammalia है उसके general characteristic feature कल पढ़ लिए थे, और आज classification में हम शुरू करेंगे subclasses से. तो दो major subclasses होती हैं. If I start with the classification, there are two major subclasses. जो पहला subclass होता है उसको बोलते हैं Prototherians. The first subclass of class mammalia is Prototheria, और उसके मेंबर को बोलते हैं Prototherian. तो पहला Prototheria हो गया, एंड सेकेंड जो सब क्लास पढ़ेंगे डेट वुड बी सिंपली Therians. अब क्या मतलब होता है वर्ड Theria का? देखो, जो Prototheria होते हैं बेटा, दीज आर द मैमल्स विच आर मोस्ट प्रीमेटिव, एंड दोज मैमल्स आर ओनली एंड ओनली फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया and the nearby island like Tasmania is there and New Guinea is there. So Prototheria में most primitive mammals मिलेंगे, ऐसे mammals जिनके अंदर कुछ reptile वाले character भी होंगे. So मैंने पहले ही बता दिया था कि air से mammal evolve नहीं हुए हैं, reptile से ही mammal evolve हुए हैं. तो they include most primitive mammal and they are found in Australia एंड नियर बाई आईलैंड्स लाइक यू कैन रिमेंबर अबाउट टेस्मेनिया हेयर. एंड अच्छा, कई बार ना Prototherians का लोकेशन पूछा जाता है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया एंड नियर बाई आईलैंड में मिलते हैं, एंड न्यू गुइनिया इज देयर. सो बच्चों, मैं आपको बता था Therians के बारे में. Therians वो एनिमल होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, और Prototherians वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ नहीं देते हैं. तो Prototherians जनरली एग लेइंग मैमल होते हैं. Prototherians आर जनरली एग लेइंग मैमल. सो Prototherians आर एग लेइंग मैमल, और इसकी ये जो सब क्लास है इसके अंदर एक ही ऑर्डर आता है. देयर इज अ ऑर्डर ऑफ एग लेइंग मैमल एंड दैट ऑर्डर इज मोनोट्रीमेटा. द ऑर्डर of Prototherians is monotremata, और monotremes भी कहते हैं. तो जब क्वेश्चन वगैरह आएंगे, अगर monotremes की बात कर रहा है तो भी समझ जाएंगे Prototherian है. वैसे तो जनरली Prototherian वर्ड यूज़ करता है जब क्वेश्चन पूछता है एग लेइंग मैमल्स के बारे में, पर monotremata इज द सिंगल ऑर्डर, और इसके करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते चले जाएंगे. तो पहले एक सब क्लास आ गया जो Prototherians है, जो एग लेइंग होते हैं, और दूसरा सब क्लास Therians विच गिव बर्थ टू यंग वन. तो ऐसे एनिमल जो यंग वन को बर्थ देते हैं वो Therian होते हैं, वो Therian सब क्लास में आते हैं. और Therian सब क्लास की आप दो फर्दर ग्रुप्स पढ़ेंगे. इन द सब क्लास Therian दे आर टू इंफ्रा क्लासेज. एक्चुअली आई मस्ट से दे आर टू इंफ्रा क्लास. एक इंफ्रा क्लास होगा ऐसे एनिमल्स का जिनके अंदर पाउच वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं Metatherian. और एक ऐसा होगा जिनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा आ जाएगा, उनको बोलते हैं Eutherian. तो टू इंफ्रा क्लासेस, वन वुड बी Metatherian. इनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा नहीं होता है, मैं बताऊंगा फॉल्स प्लेसेंटा होता है, ये यॉर्क सैक प्लेसेंटा कहते हैं. और जो ट्रू प्लेसेंटा वाला होता है, यू माने ट्रू एंड Therian माने प्लेसेंटा. सो Eutherians आर द वन जिनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा आप पढ़ेंगे. अभी आगे चल के Eutherians आर द वन जिनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा पढ़ेंगे, और Metatherians वो होंगे जो पाउच्ड एनिमल होंगे. Metatherians आर सिंपली रेफर्ड एज टू पाउच्ड एनिमल्स, उनके अंदर ट्रू प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है पर ट्रू नहीं होता है. तो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा जब मैं इनके फीचर्स पढ़ाऊँगा आपको. और Metatherians में एक ऑर्डर आता है, उसको बोलते हैं मार्सोपीलिया.
सिंगल ऑर्डर इन मेटाथीरियन इज मासुपीलिया, और जो यूथेरियंस हैं इसके अंदर मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ मल्टीपल ऑर्डर्स, तकरीबन 10 to 12 और कुड भी 14, जितने याद आते जाएंगे मैं सारे पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर, तो सारी कसर बाकी जो भी है वो सब पूरा कर लेंगे इन लर्निंग द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ यूथेरियंस। सो बच्चे ये कॉमनली एक फ्रेमवर्क हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ममेलिया, दो सब क्लास, प्रोटोथीरियन और थीरियन। थीरियन वो होते हैं जो यंग वन को बर्थ देते हैं, प्रोटोथीरियन वो होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव है, ऑस्ट्रेलिया और नियर बाई आइलैंड में मिलते हैं। एक ऑर्डर होता है प्रोटोथीरियंस का जो मोनोट्रीमेटा है, एक ऑर्डर होता है मेटाथीरियंस का जिसका नाम होता है मासुपीलिया, जिसे पाउच मैमल्स आप पढ़ेंगे, और मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं इन इंफ्रा क्लास यूथेरियंस। तो ये सब चीज़ें आज हमें पढ़नी है इस लेक्चर में, और बाद में कुछ और एडेप्टेशंस बता दूंगा मैमल्स के। तो लेट इट स्टार्ट अवर लेक्चर एंड लेट इट स्टार्ट विद प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीम्स। सो लेट मी क्लियर अप अवर बोर्ड एंड वी विल बी स्टार्टिंग अवर लेक्चर विद द करेक्टर्स ऑफ प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीमेटा। प्रोटोथीरियन जो सब क्लास है उसमें जो ऑर्डर मोनोट्रीमेटा है, पहले उसके करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेंगे 5-6, और उसके बाद एक आज उसका एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल का फोटो भी अपनी बुक में है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। सो लेट इट स्टार्ट विद प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीमेटा भी कहते हैं, मोनोट्रीमेट्स भी कहते हैं, और मोनोट्रीम्स भी कहते हैं। तो जो प्रोटोथीरियंस और मोनोट्रीम्स हैं उनके फीचर्स शुरू करें। सबसे पहले तो वो एग लेइंग मैमल होते हैं, ये मेंशन करना ज़रूरी है, और वो रेप्टाइल लाइक होते हैं। सो पहला फीचर मैं लिखूंगा, दीज एनिमल्स आर रेप्टाइल लाइक एंड दे आर एग लेइंग। दीज आर रेप्टाइल लाइक एग लेइंग मैमल्स। प्रोटोथीरियंस के अंदर एग लेइंग मैमल्स होते हैं, और एग लेइंग जो एक फीचर है वो रेप्टिलियन फीचर है, दैट्स अ रेप्टिलियन करेक्टर। अब जब वार्म ब्लडनेस की बात करते हैं तो बच्चों प्रोटोथीरियंस पार्शली होम्योथर्मिक होते हैं, दे आर पार्शली होम्योथर्मिक, परफेक्टली होम्योथर्मिक नहीं होते हैं। होम्योथर्मिक का मतलब क्या हुआ, तो ज़्यादा एडवर्स कंडीशन भी नहीं बियर कर पाते, इसलिए वर्ल्ड के कुछ ही एरियाज में ये मिलते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलते हैं। तो पार्शली होम्योथर्मिक होते हैं, एग लेइंग रेप्टिलियन करेक्टर उनके पास हो गया। उनके पास जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनमें निपल्स नहीं होते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड तो हर एक मैमल में पढ़ना है आपको, इनकी मेमोरी ग्लैंड में निपल्स नहीं होंगे, जबकि जो थीरियन की मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे वो निपल वाली होगी। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस करेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी ग्लैंड आर विदाउट निपल्स, और मैं आपको बता दूं दे आर विदाउट निपल्स। इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड दोनों सेक्सेस के अंदर डेवलप होती हैं, मेल की भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती है और फीमेल की भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती है। सो मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल, और जब मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल हो जाती है, मेमोरी ग्लैंड एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फीमेल्स का, तो अगर मेल्स के अंदर भी मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल है तो उस कंडीशन को बोलते हैं गायनिकोमेस्टिज्म, और मैं ये भी बताऊंगा कैसे मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं फिर। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल, मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, राइट। और जब मेमोरी ग्लैंड मेल्स के अंदर फंक्शनल हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं गायनिकोमेस्ट्रिज्म। देखो जो गायनी वर्ड है वो एक वर्ड होता है फीमेल्स के लिए, राइट। तो गायनिकोमेस्टिज्म का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल लाइक कैरेक्टर इन मेल, एंड व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल लाइक कैरेक्टर इन मेल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स इज ए गायनिकोमेस्टिक कैरेक्टर। तो ये जो एनिमल्स होते हैं उसके जो इंडिविजुअल्स हैं मेनली मेल्स, वो गायनिकोमेस्टिज्म शो करते हैं, मेमोरी ग्लैंड है निपल नहीं है, और दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। फिर अगला फीचर इसका पढ़ेंगे, इनके जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसके अंदर पिन्ना नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना
एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट इन द मेंबर ऑफ मोनोट्रीमेटा और प्रोटोथीरिया। तो मोनोट्रीमेटा और जो प्रोटोथीरियंस है उनके पास एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता है। कल लेक्चर में बताया था उनके जो टेस्टिस होते हैं वो इनसाइड द एब्डोमेन होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल, और सिंपली बुक्स वगैरह में वो एब्डोमिनल टेस्टिस भी यूज़ कर लेता है। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर नहीं आते हैं, बॉडी का टेम्परेचर पहले ही कम है तो वहीं पर स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह हो जाता है। तो उनके पास पिन्ना नहीं होता है, टेस्टिस इनसाइड द एब्डोमेन होते हैं, क्लोका प्रेजेंट होता है। आ वेल डेवलप, ये एक रेप्टिलियन करेक्टर है ये, राइट, क्लोका इज प्रेजेंट। और मैं आपको बता दूं कॉर्पस कैलोसम इनके पास नहीं होता है, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, जहाँ प्रेजेंट होता है सिर्फ वहाँ पर लिख दूंगा। मैंने कल पढ़ा दिया था कि कॉर्पस कैलोसम सिर्फ यूथेरियंस के अंदर मिलेगा, सो चाहे प्रोटोथेरियन हो चाहे मेटाथेरियन हो, दोनों के अंदर कॉर्पस कैलोसम नहीं मिलेगा। फिर एक फीचर याद रखेंगे, इन एनिमल्स के अंदर एक टूथलेस हॉर्नी बीक मिलती है जब ये एडल्ट हो जाते हैं। तो देखो जो अब जब वो छोटे थे तो उनके पास टीथ होते हैं, चाइल्डहुड में टीथ होते हैं, इसलिए मोनोफियोडोंट वर्ड यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगा कुछ मेटाथेरियंस भी मोनोफियोडोंट होते हैं, पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जो टीथ है वो एक हॉर्नी बीक में डेवलप हो जाती है। सो अ टूथलेस हॉर्नी बीक इज फाउंड इन एडल्ट, अ टूथलेस हॉर्नी बीक इज फाउंड इन एडल्ट्स। इट इज वर्थ मेंशनिंग हियर दैट टीथ आर ओनली फाउंड इन चाइल्डहुड, टीथ्स आर ओनली फाउंड इन चाइल्डहुड, और एक ही बार लाइफ में टीथ आते हैं तो उन डेंटिशन के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोफियोडोंट। ठीक है बच्चों, मोनोफियोडोंट। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, मैं एक क्विक रिविजन करा देता हूँ कि भाई रेप्टाइल लाइक एग लेइंग मैमल होंगे, पार्शली होम्योथर्मिक होंगे, मैमरी ग्लैंड्स में निपल नहीं होते, मैमरी ग्लैंड दोनों सेक्सेस में डेवलप हो जाती है, पिन्ना नहीं होता है, टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं, क्लोका प्रेजेंट होता है, और उनके पास जो टीथ है वो सिर्फ चाइल्डहुड में प्रेजेंट होते हैं, एडल्ट के अंदर बीक बन जाती है। उनके जो एग होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, उनके अंदर खूब सा यॉक होता है, उनके ऊपर शेल होती है। तो जो एग्स हैं, एग्स आर यॉकी, कल बताया भी था कि मेगालेसिथल होते हैं एंड शेल्ड, और साइज में भी बड़े होते हैं। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए बेटा प्रोटोथीरियंस के। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल, और जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आई विल ट्राई टू यूटिलाइज अ पार्ट ऑफ बोर्ड इन मेकिंग नोट्स, और अदर पार्ट ऑफ बोर्ड पे आपको विजिबल कर दूंगा मैं एक फोटोग्राफ, जो अदर पार्ट ऑफ बोर्ड है उस पर मैं विजिबल कर दूंगा एक फोटोग्राफ। सो माय रिक्वेस्ट टू कैमरामैन, प्लीज डू नॉट जूम दिस पार्ट, ताकि पूरा बोर्ड विजिबल रहे। लेट अस स्टार्ट द एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोथीरियन, और जो पहला एग्जांपल पढ़ोगे वो पढ़ोगे ऑर्नी थॉर रिंकस, और इसके बारे में कल भी मैंने कुछ चीज़ बताई थी आपको। ऑर्निथोरिंकस का कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया था, इसका कॉमन नेम होता है डक बाइल प्लेटिपस, इसको प्लेटिपस भी कहते हैं, या सिंपली कॉल इट डक, डक के जैसे इसकी बीक होती है, बाइल प्लेटिपस। अब जो ऑर्निथोरिंकस है या डक बाइल प्लेटिपस है, इसके बारे में दो चार बातें मैं मेंशन कर देता हूँ, डैट इज इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम भी है अपनी बुक में, राइट, सो दिस एरिया इज फॉर डायग्राम पार्ट ओनली, और मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ऑफ बोर्ड यूज करता चला जाऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू राइट सम लार्ज वर्ड्स हियर। अब डक बाइल प्लेटिपस में क्या याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये अपने अंडों को नेस्ट के अंदर ले करता है, इट ले एग इन, लेज एग इन नेस्ट। मैमल्स के अंदर एग लेइंग होना, उनको नेस्ट के अंदर ले करना थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है याद रखने में, पर ये आपको याद रखना है। अब क्यों नाम होता है इसका डक बाइल प्लेटिपस वो बता देता हूँ। इसकी जो बीक है, या जो उसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बिल, बीक और बिल जो होती है वो ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है, जस्ट लाइक अ डक। व्हाई डक बाइल प्लेटिपस, इट इज हैविंग ए ब्रॉड एंड फ्लैट बीक Like a duck, like a duck. That is the reason we call that duck bill platypus.
ठीक है बच्चों, और सुनो, इनके पास पिन्ना नहीं होते हैं, दोनों सेक्सेस के अंदर मेमोरी ग्लैंड होगी, देयर इज नो फन इन टेलिंग। तो सर हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं मेल एंड फीमेल को? जो मेल होते हैं दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल, क्योंकि मेल के अंदर होता है पॉइजनस स्पर ऑन ईच हाइंड लिंब। इन मेल्स दिस इज इंपॉर्टेंट, इन मेल्स आप पॉइजनस स्पर, पॉइजनस स्पर, स्पर स्ट्रक्चर होता है जिसमें खूब सारे हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं, इज प्रेजेंट ऑन ईच हाइंड लिंब, ऑन ईच हाइंड लिंब। तो मेल के अंदर पॉइजनस स्पर होता है, फीमेल के अंदर पॉइजनस स्पर नहीं है। तो जब हम मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विशन करते हैं तो भाई दोनों के अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, दोनों में निपल्स नहीं होते। कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो मेल को कि मेल के अंदर एक पॉइजनस स्पर होता है हर एक हाइंड लिंब पर, फीमेल में पॉइजनस स्पर नहीं होता? ये जो स्पर होते हैं ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है। दीज पॉइजनस स्पर दे हेल्प इन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए प्लेटीपस के केस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसके बिहाफ पर करते हैं, आंसर शुड बी पॉइजनस स्पर। और पॉइजनस स्पर किसके अंदर होता है, आंसर शुड बी मेल ओनली, फीमेल डू नॉट हैव पॉइजनस स्पर। ठीक है बच्चे, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं और टेल जो है वो फ्लैट होती है। वेब्ड फीट एंड फ्लिटन टेल बोथ हेल्प इन स्विमिंग। वेब्ड फीट, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेब्ड फीट एंड फ्लिटन टेल, वेब्ड फीट एंड फ्लैटन टेल बोथ हेल्प इन स्विमिंग, बोथ हेल्प इन स्विमिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्विम वगैरह कैसे करता है, तो पहला याद रखेंगे फ्लैट टेल हेल्प करती है स्विमिंग में, और दूसरा याद रख लेंगे उसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ फाउंड इन टैस्मेनिया। तो ऑस्ट्रेलिया और टैस्मेनिया के अंदर मिलता है आपको प्लेटीपस। इज दैट क्लियर? सो प्लेटीपस का डायग्राम, प्लेटीपस के बारे में कुछ फीचर्स, गाइनिकोमेस्ट्रिज्म याद रखेंगे, पॉइनर इस पर याद रख लेंगे, ब्लैक बाइक डक बाइल प्लेटीपस याद रखेंगे, पिन्ना नहीं होता है, वेब फीट होते हैं, पांच छह चीज़ें याद रख लेंगे। ये हो गया पहले एग्जांपल के बारे में, फर्स्ट एग लेइंग मैमल। अब मैं दूसरा एग्जांपल पढ़ बता देता हूँ आपको। देयर इज़ वन मोर एग्जांपल। कल ना मैंने कुछ बताया था आपको स्पाइनी आंट ईटर के बारे में, याद है आपको टैकीग्लॉसस एग्जांपल लिखा था कल जब लेक्चर पढ़ रहे थे, तो आपको इकाइडिना, टैकीग्लॉसस या स्पाइनी आंट ईटर बताया था। अब उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टैकीग्लॉसस और इकाइडना और स्पाइनी एंट ईटर, इसका भी मैं फोटो यहां पर अभी ऐड कर रहा हूं, तो आप उसको पहचान लेंगे दोनों को। बीक से ही पता चल जाता है, बॉडी के साइज से ही पता चल जाएगा वो स्पाइन्स होते हैं, वो अभी मैं बताने वाला हूं। देखो जो इकाइडना होता है, या मैं अगर वर्ड यूज करूँ स्पाइनी एंट ईटर जो होता है टैकीग्लॉसस, उसका जो बॉडी है डेट हैज बीन कवर्ड बाई पॉइंटेड स्पाइन्स एंड दीज आर द मॉडिफाइड हेयर। पहला पॉइंट लिखेंगे, बॉडी इज कवर्ड बाई पॉइंटेड स्पाइन्स, और जो पॉइंटेड स्पाइन्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड हेयर। तो पहले तो आप दोनों में डिस्टिंग्विश दिख गया होगा, तो डिस्टिंग्विश ऐसे कर लेंगे कि एक के बॉडी के जो हेयर हैं वो मॉडिफाई होके स्पाइन्स बना लेते हैं, इसलिए तो स्पाइनी एंट ईटर वर्ड यूज़ किया है। तो हेयर्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर विच वी कॉल स्पाइन्स। फर्स्ट फीचर इज कंप्लीट। सेकंड याद रखेंगे, इनके पास एडल्ट्स में टेल नहीं होता है, इनके फीट्स पर वेब नहीं होते हैं। सो फीट्स विदाउट वेब, फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, एंड सेकेंड एडल्ट लैक्स अ टेल। तो जो यंग वन होते हैं उनमें भले ही टेल वगैरह नजर आ जाए, पर इनके जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट स्पाइनी एंट ईटर है, उसके अंदर नहीं होता है टेल। फिर दोनों के अंदर होता है भाई आपका गाइनिकोमेस्ट्रिज्म, मतलब मेल के अंदर होता है गाइनिकोमेस्ट्रिज्म, दोनों के अंदर होता है मेमोरी ग्लैंड। फिर से कन्फ्यूजन हो गया कि कैसे पता चलेगा मेल कौन सा है। तो याद रखेंगे जो मेल इकाइडिना होता है उसके अंदर होता है एक होलो टार्सल, मैं ऐसे कहूँगा
कि उसके हर एक हाइंड लिम्ब पर एक स्पेशल स्पर होता है, जैसे स्पर हमने पढ़ा था इन प्लेटिपस, ऐसे ही एक स्पर होता है इन द हाइंड लिम्ब ऑफ मेल काइडियन है। बस ये याद रखना है, वो जो स्पर है वो खुद पॉइजनस नहीं होता, वो एक पॉइजनस ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है जो थाई में होती है। तो इकाई डीएनए की जो पॉइजनस ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है थाई में, इस पर प्रेजेंट होता है ऑन द हाइंड लिम्ब। तो मेल इकाई डीएनए, नेक्स्ट स्टेटमेंट आई गेस जब मैं लिखूंगा तो शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मेल इकाई डीएनए, इकाइड ना बोलते हैं, मुझे इकाई डीएनए थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रोनाउंस करना, हैज अ फर्स्ट थिंग होलो टार्सल, इसको बोलते हैं स्पर, जो उसका होलो टार्सल है। टार्सल देखो जैसे हाथ में कापल होता है ऐसे ही पैर में टार्सल होता है, तो होलो टार्सल है ऑन ईच हाइंड लिम्ब, ऑन ईच हाइंड लिम्ब, एंड दैट होलो टार्सल इज कनेक्टेड टू द पॉइनस ग्लैंड इन थाई, ईच हाइंड लिम्ब कनेक्टेड टू पॉइनस ग्लैंड इन थाई। तो इनका जो टार्सल होता है वो होता है बेटा कनेक्टेड टू द पॉइजनस ग्लैंड इन थाई इन द मेल इकाइडियन है। तो दोनों ही पॉइजनस होते हैं आपके, प्लेटीपस भी पॉइजनस होता है और स्पाइनी आइडेटर भी, बस दोनों में फर्क है उसके अंदर पॉइजन ग्लैंड क्लॉज में ही होती है और इसके अंदर थाइज में होती है। और देखो एक बहुत अच्छा तरीका है इनको डिस्टिंग्विश करने का, जो इकाई डीएनए है वो अपने आप को ना रोल कर लेता लाइक ए बॉल टू सरप्राइज द अटैकर, जबकि प्लेटीपस ऐसे रोल वगैरह नहीं कर पाता। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन रोल इटसेल्फ लाइक अ बॉल टू सरप्राइज द अटैकर। तो जो भी स्पाइनी एंट ईटर होता है उसके बॉडी के अंदर हेयर मॉडिफाई हो जाता है स्पाइंस में, फिट में वेब नहीं होते हैं, एडल्ट में टेल नहीं होता है, मेल इकाइडिना में इस पर होता है जो कनेक्ट होता है पॉइजनस ग्लैंड से, वो अपने आप को रोल कर लेता है लाइक ए बॉल टू सरप्राइज द अटैकर। ये जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर होगा बेटा इकाइडिना के। सो मेनली हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्रोटोथीरियंस के बारे में पढ़ लिया कि भाई जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो एग लेइंग मैमल होते हैं। अब इन एग लेइंग मैमल में दो एग्जाम्पल आपने पढ़े, पहला एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया ऑर्निथोरिंकस और दूसरा एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया टैकीग्लॉसस। ये हो गया पहला सब क्लास के बारे में, छोटा सा पार्ट था कंप्लीट हो गया। सेकंड जो मेटाथीरियंस पढ़ेंगे वो भी छोटा सा होगा, प्रॉब्लम तो थीरियंस यूथीरियंस पढ़ने में आएगी, जब 14 अलग अलग ऑर्डर भी पढ़ सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं थीरियंस के बारे में, और थीरियंस में मैं आपको पहले बताऊंगा मेटाथीरियंस। थीरियंस वो एनिमल होते हैं जो एग ले जो यंग वन को बर्थ देते हैं। सो पहले हम मेटाथीरियंस के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे कि भाई जैसे प्रोटोथीरियन के अंदर सर आपने बताया पिन्ना वगैरह नहीं होता है, उनकी मेमोरी ग्लैंड के अंदर निपल वगैरह नहीं होते हैं, तो वी होप मेटाथीरियंस के अंदर पिन्ना भी आ गया होगा और मेमोरी ग्लैंड के अंदर निपल भी आ गए होंगे। तो आंसर वुड बी यस, यू आर वेरी राइट, यू आर लर्निंग इट वेरी गुड। सो लेट अस स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ मेटाथीरियंस, और मेटाथीरियंस के अंदर मैंने एक ही ऑर्डर आपको बताया है एंड दैट ऑर्डर इज मार्सुपियल्स। सो मेटाथीरियंस का ये दूसरा नाम होता है मार्सुपियल्स, मेटाथीरियंस को आप कह देते हैं मार्सुपियल्स। अब मेटाथीरियंस क्या होते हैं, वी ऑल नो दे आर हैविंग ए पाउच्ड, तो मैं सिंपली लिख दूँ पाउच्ड मैमल, मेटाथीरियंस आर पाउच्ड मैमल। अब पाउच वगैरह कहाँ होता है मैं ये मेंशन करने वाला हूँ, इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं इन मेटाथीरियंस, जो मैं बोलूँगा एबडोमिनल पाउच इज प्रेजेंट विच वी कॉल मार्सुपियम, एबडोमिनल पाउच इज प्रेजेंट विच वी कॉल मार्सुपियम। देन एबडोमिनल पाउच होता है इन एनिमल्स में, उस एब्डोमिनल पाउच में जो इमेच्योर यंग वन होते हैं वो डेवलप करते हैं अप टू मैच्योरिटी। तो मार्सुपियम इज एब्डोमिनल पाउच, मार्सुपियम इज एब्डोमिनल पाउच, और इस एब्डोमिनल पाउच में यंग वन दे टेक केयर ऑफ देयर यंग वन डेवलप्स हियर अप टू मैच्योरिटी, अप टू प्यूबर्टी। उसके बाद जैसे मैच्योर हो जाएंगे तो पाउच से बाहर आ जाएंगे। मदर्स आर वेरी वेरी केयरिंग, बच्चा हमेशा मम्मा की गोद में बैठा रहता है इन केस ऑफ पाउच मैमल।
ठीक है बेटा, जो मासोपियम होते हैं, जो मासोपियल्स होते हैं, उनके पास मेमरी ग्लैंड के अंदर निपल्स आ जाते हैं, उनके जो एडल्ट होते हैं उनमें टीथ होते हैं और टीथ हेट्रोडोन टाइप होते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर डैट मेमरी ग्लैंड्स हैव निपल, इनके अंदर गाइनेकोमेस्ट्रिज्म वगैरह नहीं होता है, तो सिर्फ फीमेल के अंदर ही मेमरी ग्लैंड डेवलप करती हैं। ठीक है बेटा, देन जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे इनका, इट वुड बी इनके एडल्ट में टीथ होते हैं और वो हेट्रोडोंट होते हैं, वो सिर्फ एडल्ट में आते हैं, यंग वन में टीथ वगैरह नहीं होते, तो वो भी मोनोफियोडोंट ही होते हैं। टीथ इन एडल्ट और कैसे टाइप के टीथ है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो हेट्रोडेंटिशन होता है और एक ही बार आते हैं तो मोनोफियोडोंट होते हैं। तो आप प्लीज़ याद रख लेंगे कि इनके एडल्ट मोनोफियोडोंट होते हैं और उनके यंग वन मोनोफियोडोंट थे। ठीक है बेटा, देन एक इम्पोर्टेंट फीचर याद रखना इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल के बारे में, इनकी फीमेल्स के पास दो वजाइना होती है, दो यूट्रस होते हैं, दो क्लाइटोरिस होती है, और जो मेल होता है उसका पीनिस जो है वो बाइफिड होता है। तो अगर मैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताऊँ, फीमेल्स आर विद टू वजाइना, टू यूट्रस यूट्राई एंड टू क्लाइटोरिस। तो फीमेल्स के पास ये वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो पेयर्ड होती है, और मेल्स का जो पीनिस होता है वो बाइफिड होता है। मेल्स आर हैविंग ए कॉम्प्लिकेटेड पीनिस, इज हैविंग अ बाइफिड पीनिस। बाइफिड वर्ड ना बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ दो में ऐसे ब्रांच हो जाती है वो बाइफिड होते हैं, एंड लेट्स से दीज आर टू वजाइनाज हियर, दिस इज हाउ कोपुलेशन वुड बी टेकिंग प्लेस। तो फीचर याद रख लेना बच्चों, अकेले मैमल जिनके अंदर दो वजाइना, दो यूटर्स, दो क्लाइटोरिस, बाइफिड पीनिस होता है, आंसर वुड बी मासोपियल्स, अदरवाइज यूथेरियंस के अंदर सिंपल हो जाएगा। फिर इनके अंदर प्लेसेंटा तो डेवलप हो जाता है, पर वो प्लेसेंटा फॉल्स प्लेसेंटा होता है, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं बच्चों यॉर्क सैक प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा इनके अंदर डेवलप होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं यॉर्क सैक प्लेसेंटा, और इसको फॉल्स प्लेसेंटा कहते हैं। अब इसको फॉल्स प्लेसेंटा क्यों कहते हैं मैं ये बता देता हूं। देखो प्लेसेंटा का काम होता है कि जो यंग वन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे जब तक यंग वन मैच्योर नहीं हो जाता है। प्लेसेंटा का काम होता है यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करे जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता है। अब इनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप करेगा, जब तक यॉक रहेगा न्यूट्रिशन के लिए तब तक प्लेसेंटा भी है, और जैसे ही सारा यॉक खत्म हो जाएगा, यंग वन अभी कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है तो वो बर्थ हो जाती है उसकी, तो ऐसा प्लेसेंटा जो मैच्योरेशन तक ना साथ दे पाए और पहले ही डिमिनिश हो जाए उसको बोलते हैं फॉल्स प्लेसेंटा। तो फॉल्स प्लेसेंटा के केस में कैसे यंग वन बर्थ की बर्थ होती है, इमेच्योर यंग वन आर बोर्न, इन केस ऑफ फॉल्स प्लेसेंटा इमेच्योर यंग वन आर बोर्न। और ये जो इमेच्योर यंग वन बोर्न हुए हैं इनका ख्याल रखने के लिए ही नेचर ने इनको मासोपियल पाउच दी है। तो फिर वो यंग वन जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता, या मैं कहूँ मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो उस पाउच में ही रहता है। इज डेट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, देर इज नो फन इन टेलिंग, इनके अंदर कॉर्पस कॉलोसम नहीं होता। पिन्ना आ जाते हैं, दे आर हैविंग ईयर पिन्ना आर प्रेजेंट। वी ऑल नो अबाउट कंगारू, एंड कैंगारू इज ए पाउच्ड मैमल। तो जब हम क्लासिकल एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वी विल बी लर्निंग अबाउट मैक्रोपस। लेट मी रब द बोर्ड फॉर्म हियर। जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों तो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे मैक्रोपस का, और मैक्रोपस वुड बी द कंगारू हियर, राइट? आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। जस्ट गिव मी, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड टू नोट ऑल दिस। तो मैं एग्जाम्पल बताऊँगा इसके अंदर कंगारू के बारे में, और फिर फीमेल कंगारू के अंदर जो मार्सुपियल पाउच होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और कंगारू के लेदर वगैरह के बारे में भी थोड़ा मेंशन कर दूंगा, वो कैसे बैठता है, वो ट्राइपोड कैसे हो बनता है, वो भी बताऊंगा, राइट? तो लेट मी रब इट। फोटो के लिए भी तो जगह चाहिए ना आपको बोर्ड पर, तो मैं अभी बोर्ड के दो डिवीजन कर देता हूं, एंड हाफ बोर्ड फॉर फोटो एंड हाफ बोर्ड फॉर अवर नोट्स। तो लेट्स से
एग्जाम्पल जो पढ़ेंगे फर्स्ट डेट वुड बी मैक्रोपस और लेट्स कॉल डेट कंगारू। कुछ चीज़ें बोल के बता देता हूँ, हर चीज़ लिखनी भी ठीक नहीं है वरना फिर 5-6 घंटे का लेक्चर ना चला जाइए, नहीं 5-6 घंटे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, जो फीमेल कंगारू होती है उनके पास होता है एक एब्डोमिनल पाउच, अपने यंग वन को एब्डोमेन के अंदर रखती है और यंग वन वही फीड करता रहता है। फीमेल कंगारू के जो टेल होती है वो बहुत ही लॉन्ग एंड थिक होती है और वो ट्राइपॉड बना लेती है, मतलब उसके पास दो हाइंड लिम्ब तो है। यहाँ पर देखो अभी जो डायग्राम दिखेगा वो कैसे बैठा हुआ है, तो ट्राइपॉड कैसे बना है विद द हेल्प ऑफ टेल एज वेल, दो हाइंड लिम्ब एंड टेल। तो पहला मैं फीचर पढ़ूंगा, लिखूंगा दे आर हैविंग ए लॉन्ग एंड थिक टेल व्हिच मेक्स अ ट्राइपॉड विद हाइंड लिम्ब, लॉन्ग एंड थिक टेल व्हिच मेक्स अ ट्राइपॉड, मेक्स अ ट्राइपॉड विद हाइंड लिम्ब, राइट। चलो और सुनो कंगारू के बारे में, तो प्लीज़ वो याद रख लेना, वो मैं दोबारा मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि एब्डोमिनल एरिया के अंदर मेमोरी ग्लैंड है और निपल्स डेवलप हो जाते हैं और वहीं से यंग वन फीड करता रहता है। इनका जो लेदर, इनकी स्किन से जो लेदर बनता है वो वाटर प्रूफ होता है और ऑस्ट्रेलिया में कई जगह इनका फ्लैश भी खाया जाता है। तो वाटर प्रूफ लेदर इज फाउंड बाय देयर स्किन एंड देयर फ्लैश इज आल्सो ईटन, ठीक है ये तो मेंशन करने वाली बात नहीं है फ्लैश इटन वाला, तो वाटरप्रूफ लेदर याद रख लेंगे। फिर याद रखना जो कंगारू होता है इट इज़ द नेटिव ऑफ टैस्मेनिया, नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड नेबरिंग आइलैंड। तो कंगारू कहाँ मिलता है, इट इज़ नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया, टैस्मेनिया एंड नेबरिंग आइलैंड, ये 3-4 चीज़ें याद रख लेना। और कंगारू का जो लोकोमोशन होता है इट यूज़ टू जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ऐसे लोकोमोशन को बोलते हैं साल्टेटरी लोकोमोशन। तो साल्टेटरी लोकोमोशन का मतलब हुआ बच्चों जब आप एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड यू हैव बीन जंपिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, साल्टेटरी लोकोमोशन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया मैक्रोपस के बारे में। तो मैक्रोपस और कंगारू के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखेंगे, लॉन्ग थिक टेल होती है, ट्राइपॉड होता है हेड पर, ट्राइपॉड बन जाता है विद हाइंड लिम्ब, वाटरप्रूफ लेदर होता है, साल्टेटरी लोकोमोशन होता है, उनका जो फीमेल होता है डैट इज कीपिंग ऑल द यंग वन और उसको फीड करता रहता है जब तक वो आपका एडल्ट नहीं बन जाता। इज डेट क्लियर, एनी क्वेश्चन और डाउट? नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों डैट वुड बी डाइडेल्फिस। जो डाइडेल्फिस होता है उसका नाम होता है ओपोसम और वो भी आपका मेटाथियंस में आता है। डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस इसका दूसरा नाम होता है ओपोसम एंड दैट इज आल्सो क्लासिफाइड अंडर मेटाथीरियंस। देखो जो ओपोसम होता है उसका आर्बोरियल मोड ऑफ लिविंग होता है, वो ट्रीज के ऊपर रहता है। एक फर्क ये होता है कंगारू में, ये मैक्रोपस में और डाइडेल्फिस में, दैट डाइडेल्फिस इज हैविंग आर्बोरियल मोड ऑफ लिविंग दैट लिव्स ऑन ट्रीज। जो ओपोसम होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको नॉर्थ अमेरिका में भी मिलता है। ओपोसम के बारे में याद रखेंगे, इसका शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है, तकरीबन 12-13 दिन ओनली, इट इज़ हैविंग शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक का जो टाइम होता है और इसका गेस्टेशन पीरियड तकरीबन 12-13 दिन ही है। प्लेसेंटा आपने पढ़ ही लिया है कि इसके अंदर यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है। अगर टीथ की बात करें एडल्ट के पास अबाउट 50 टीथ होते हैं। Opossum is well known in having a lot of teeth and how many teeth are there? About 50 teeth are there. Opossum clear ho gaya, Macropus clear ho gaya. Ek aur hota hai jiska common name hota hai tiger cat aur uska scientific name hota hai Dasyurus aur tiger cat. इट इज़ आल्सो अ मेम्बर ऑफ मेटाथीरिया। सो मेटाथीरियंस के बारे में बच्चों यही याद रख लेंगे कि मेटाथीरियंस पाउस्ट मैमल होते हैं, मेटाथीरियंस के अंदर पीना आ जाता है, मेटाथीरियंस की मेमोरी ग्लैंड के ऊपर निपल आ जाता है, इनके अंदर अनडेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं,
और ये दो तीन एग्जांपल याद रख लेना कि ओपोसम क्या होता है, कैंगेरू क्या होता है और डेसियूरस क्या होता है। ये होगा बेटा मेटाथियंस के बारे में। अब हम शुरू करते हैं यूथेरियंस एंड लेट अस सी हाउ मच टाइम द यूथेरियन वुड बी टेकिंग। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, आई विल नॉट बी गोइंग इन वेरी मच डिटेल। तो लेट अस स्टार्ट द एनिमल विच वी कॉल यूथेरिया और दोज विच आर हैविंग अ ट्रू प्लेसेंटा। तो सब क्लास यूथेरिया, लेट अस स्टार्ट, इट इज इंफ्रा क्लास यूथेरिया, राइट। तो मैं यूथेरिया ही लिख दूँ सिंपली। Let us start with the study of eutherians. All right, eutherians कौन से animal होते हैं? These are the true mammals that give birth to a mature child. True mammals, question पूछा गया था, true mammals which give birth, that give birth to mature child. They are answer to that question must be, or the only answer to that question is eutherians. So how you will define eutherians? These are the one which are having a true placenta. ठीक है बच्चों, अब इनका जो placenta होता है बेटा वो atlantochorionic type होता है। Placenta true placenta है और placenta किस किस के fusion से बना है उसके हिसाब से नाम देंगे, allantois एंड कॉरियन। दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, एक एलेंटोइस थी एक कॉरियन, एम्नियन और योक सैक भूल जाओ, एलेंटोइस और कॉरियन की फ्यूजन से प्लेसेंटा बना है इसलिए बोलते हैं एलेंटो कॉरियल प्लेसेंटा। सो इन केस ऑफ यूथेरियंस एलेंटो कॉरियल प्लेसेंटा और ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड। एलेंटो कॉरियल प्लेसेंटा और ट्रू प्लेसेंटा इज फाउंड इन केस ऑफ यूथेरियंस। ठीक है बच्चों, इनके अंदर जो कॉकलिया होता है डेट इज हाईली कॉइल्ड, कॉकलिया इज हाईली कॉइल्ड। तो देखो कॉकलिया वगैरह तो डेवलप हो जाता है मेटाथियन में भी, वो इतना कॉइल नहीं होता। प्रोटोथियंस का कम कॉइल होता है, मेटाथियन का और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होता है इन केस ऑफ यूथेरियंस, तकरीबन 2.5 कॉइल्स के करीब होते हैं। मैं बताऊँगा 2, 3, 4 जितने भी कॉइल्स वगैरह होते हैं, जब हम स्पायरली कॉइल होते हैं, जब हम ह्यूमन का कॉकलिया पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ हियरिंग पढ़ रखा है, डेट इज़ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। निपल्स वेल डेवलप हो जाते हैं, इनके पास यूट्रस वजाइना सिंगल होती है, इनका पीनी सिंपल होता है। तो पिन्ना इज प्रेजेंट वेल डेवलप्ड, निपल्स आर वेल डेवलप्ड, नो फन इन टेलिंग, इज वेल डेवलप्ड। इनके पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लाइक वजाइना एंड यूट्रस, इवन ओविडक्ट, दे आर सिंगल, अ सिंगल वजाइना एंड सिंगल यूट्रस, ये याद रखेंगे। इनका जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है डेट इज सिंपल, वो बाइफिड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि ये कंप्लीट प्योर एंडोथर्मिक होते हैं, इनके पास कॉर्पस कैलोजम आ जाता है। सो टू इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉर्पस कैलोजम इज प्रेजेंट एंड दे आर ट्रूली एंडोथर्मिक। एक आज ऐसा मेंबर बताऊंगा जो समर स्लीप या विंटर स्लीप करेगा आगे, पर अभी फॉर द मीन टाइम ये आप याद रखो, वो पार्शली हीमोथर्मिक बताए थे और ये ट्रूली हीमोथर्मिक और ट्रूली एंडोथर्मिक होते हैं। तो बच्चे ये हो गए जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूथेरियंस के बारे में। तो ये ऐसे मैमल होते हैं जो यंग वन को बर्थ करते हैं आफ्टर द कंप्लीट मैचुरेशन, ट्रू प्लेसेंटा होता है, एलेंटोकॉरियल, हाईली कॉइल्ड कॉकलिया होगा, पीना डेवलप होंगे, निपल्स डेवलप होंगे, वजाइना यूट्रस सिंगल होगी, पीना सिंपल होगा, कॉर्पस कैलोजम आ जाएगा और ट्रूली एंडोथर्मिक हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं इनके ऑर्डर। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑर्डर्स एंड लेट मी चेक कि कितने ऑर्डर्स याद रहते हैं। अब वन बाय वन मैं ना पूरा चार्ट ना बना के मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन ऑर्डर लिखता चला जाऊँ, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर नंबर वन, तो मैं 1, 2, 3 करके ऑर्डर लिखूंगा। मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा वो जो इंसेक्ट ईटर होते हैं, इंसेक्टिवोरा, जो पहला ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर वुड बी मेंशन इन ब्लू नाउ ऑनवर्ड। तो पहला जो ऑर्डर होता है वो इंसेक्टिवोरा होता है, इंसेक्टिवोरा वो एनिमल होते हैं जो इंसेक्ट ईटर होते हैं। इंसेक्टिवोरा आर इंसेक्ट ईटर, इंसेक्ट ईटर आप खुद लिख लेंगे, समझ लेना मैंने बता दिया। इनके जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल होते हैं,
दे आर हैविंग एब्डोमिनल टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन और इनसाइड द एब्डोमेन, आंसर वुड बी इनसाइड द एब्डोमेन। तो जब मैं एब्डोमिनल टेस्टिस की बात करूँ तो वो इंट्रा एब्डोमिनल है, और जब मैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बताऊंगा तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ही होंगे। अब इनके बारे में याद रखना बेटा, इसमें ना मेनली श्रीव्स आते हैं, इस ऑर्डर में हम श्रीव्स के बारे में पढ़ेंगे। जो वाटर श्रीव होता है डैट इज़ द टाइनीएस्ट मैमल विच इज़ एज लार्ज एज योर थंब, जितना बड़ा आपका अंगूठा होता है उतना बड़ा होता है वाटर श्रीव। तो एक और स्टेटमेंट इंसेक्टिवोरा के बारे में, वाटर श्रीव इज टाइनीएस्ट मैमल as large as human thumb। ठीक है बेटा, इनको ना फर्स्ट ट्रू मैमल्स भी कहा जाता है, वैसे वाटर शीव्स को फर्स्ट ट्रू मैमल भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब मैं कोशिश करूंगा ऑर्डर और एग्जांपल्स तो आपको मैं कवर करा ही दूं। जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, पहला होगा श्रीव, दूसरा होगा मोल और तीसरा होगा हेजहॉग। श्रीव फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज मोल एंड थर्ड एग्जाम्पल इज हैजहॉग। अब मुझे एक एक दो दो बात ना इनके बारे में याद आ गई है तो मैं वो भी बता ही देता हूँ। श्रीव के बारे में याद रखेंगे बेटा, जो श्रीव होते हैं उनके स्लाइवा के अंदर पॉइजन होता है, और श्रीव नॉर्मली डोमेस्टिकेट नहीं किए जाते, आप अपना पेट नहीं बना सकते श्रीव को। तो जो एनिमल नॉर्मली डोमेस्टिकेटेड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अनटेमिएबल। सो दे आर हैविंग, श्रीव इज हैविंग पॉइजन इन स्लाइवा एंड नॉर्मली दे आर अनटेमिएबल। अनटेमिएबल का मतलब होता है दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। आई रिपीट, अनटेमिएबल का मतलब होता है दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। ठीक है बेटा, उनको आप एज ए डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं रखते हैं। ये होगा शरीर के बारे में। फिर हैजहॉग के बारे में मुझे कुछ याद आया, हैजहॉग जो होता है डेट इज गुड फॉर इंसेक्ट। वैसे इंसेक्ट इटर लिखा तो मैं मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट डेस्ट्रो इंसेक्ट। जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो ये भी अपने आप को बॉल की तरह रोल कर लेता है, जैसे मैंने बताया स्पाइनी आंट ईटर के केस में। ये भी इट रोल इट सेल्फ लाइक अ बॉल व्हेन डिस्टर्ब्ड। तो देखो बस छोटा सा तो है, पहला ऑर्डर कौन सा याद रखा आपने, इंसेक्टिवोरा। इंसेक्ट ईटर होते हैं, एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, वाटर श्रीव जो है वो टाइनीएस्ट मैमल है, श्रीव में के पॉइजन में स्लाइवा भी होता है, उनको आप डोमेस्टिकेट नहीं करते हो, हैजहॉग को जब आप डिस्टर्ब वगैरह करते हो तो वो भी अपने आप को रोल कर लेता है इन शेप ऑफ बॉल। फर्स्ट ऑर्डर इज कम्प्लीट। सेकेंड ऑर्डर में बताऊँगा डर्मोप्टेरा, और डर्मो का मतलब होता है स्किन और टेरोन का मतलब होता है विंग। तो उनकी जो हेरी स्किन होती है उसके अंदर ना फोल्ड आ जाते हैं, इसको पटेजिया कहते हैं। लेट मी राइट द नेम ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर हेयर, ऑलराइट, ऑर्डर नंबर टू ब्लू, राइट। सेकेंड ऑर्डर इज डर्मोप्टेरा, डर्मोप्टेरा। और जैसे मैंने अभी बताया डर्म का मतलब होता है बेटा स्किन, और जो टेरोन होता है उसके मतलब होता है विंग। तो आई टोल्ड, लेट मी टेल यू, अ हेरी स्किन फोल्ड जिसको पटेजिया कहते हैं, इट्स एक्सटेंड लाइक ए पैराशूट फ्रॉम नेक टू टेल फॉर ग्लाइडिंग। अ हेरी स्किन फोल्ड, इस स्किन फोल्ड का नाम होता है बेटा पटेजिया। इस स्किन फोल्ड का नाम होता है पटेजिया। इट एक्सटेंड लाइक ए पैराशूट, इट एक्सटेंड्स लाइक ए पैराशूट, एक्सटेंड्स लाइक ए पैराशूट फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। उसके पूरे हेड से लेकर टेल तक पैराशूट के जैसा ये नजर आएगा, ठीक है। और ये इसको हेल्प करता है ग्लाइडिंग में, याद रखना वो फ्लाई नहीं करते हैं, इट इज मेंट फॉर ग्लाइडिंग ओनली, ठीक है।
ऑल राइट, अब इसमें जो एग्जाम्पल रखते हैं वो रखते हैं फ्लाइंग लीमर का। आप याद रखना, फ्लाइंग लीमर ना तो वो फ्लाई कर सकते हैं और ना ही वो एक्चुअल लीमर होते हैं, देखने में लीमर के जैसे, और ग्लाइडिंग हैबिट है तो नाम रख दिया फ्लाइंग लीमर। सो डर्मोप्टेरा के अंदर एग्जाम्पल याद रखेंगे फ्लाइंग लीमर। इन केस ऑफ डर्मोप्टेरा द एग्जाम्पल इज फ्लाइंग लीमर। इट्स वर्थ मैंशनिंग हेयर नाइदर दो दे फ्लाई नोर दे आर एक्चुअल लीमर। लीमर तो हम ना प्राइमेटा में पढ़ेंगे, लीमर तो उस ऑर्डर में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग भी आ जाएंगे, ठीक है बेटा। सो वॉट आई वॉज टेलिंग यू डेट एक्चुअली फ्लाइंग लीमर आर नाइदर ट्रू लीमर एंड नोर दे फ्लाई, ये हो गए दो ऑर्डर। लेट एस स्टार्ट विद ऑर्डर नंबर थ्री। लेट एस स्टार्ट हेयर विद थर्ड ऑर्डर। सो इंसेक्टिवोरा इज कंप्लीट, डर्मोप्टेरा इज कंप्लीट, तीसरा पढ़ते हैं जो ट्रूली फ्लाइंग मैमल होते हैं। द नेम ऑफ ऑर्डर इज शिरोप्टेरा। द नेम ऑफ ऑर्डर इज शिरोप्टेरा। एक्चुअली हमने 14 ऑर्डर्स के करीब पढ़ेंगे और मुश्किल था कि पूरे को टेबल में बना सके, इसलिए वन बाय वन में बॉक्सेस में मेंशन करता जा रहा हूँ। तो जो शिरोप्टेरन्स होते हैं, शिरोप का मतलब होता है हैंड, जो वर्ड शिरोप है इसका मतलब होता है हैंड, और टेरन्स का मतलब विंग्स। तो ये बताने की जरूरत नहीं है उनके फोर लिम्ब मॉडिफाई होकर विंग्स बन गए। शिरोप्टेरन्स इंक्लूड फ्लाइंग मैमल। इट इंक्लूड्स फ्लाइंग मैमल्स, ठीक है बच्चों। अब वी विल बी डिस्कसिंग दैट कौन कौन क्या चीज मॉडिफाई होके विंग्स बना रही है। शिरोप्टेरा के अंदर उनके जो फोर लिम्ब होते हैं दे गेट मॉडिफाई इनटू विंग्स। फोर लिम्ब्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इसको ना बर्ड के साथ प्लीज कंफ्यूज मत करना। अकेला ऐसा मैमल जो फ्लाई कर सकता है वो किस ऑर्डर में आएगा? आंसर वुड बी शिरोप्टेरा। द मैमल्स विच कैन फ्लाई दे आर कमिंग इनटू द ऑर्डर शिरोप्टेरा। अब ना आपको दो एग्जांपल दूंगा मैं बैठ के। एक होता है टेरोपस, जिसको ना हम फ्लाइंग फॉक्स कह देते हैं। टेरोपस जो है वो फ्लाइंग फॉक्स या फ्लाइंग बैट होगा। और दूसरा होता है स्क्यूटोफिलस, दूसरा जो होता है डेड स्क्यूटोफिलस, और स्क्यूटोफिलस को बोलते हैं स्मॉल बैट। सो दो एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल्स आर टेरोपस जो आपको प्लीज याद रखना है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है स्क्यूटोफिलस, स्क्यूटोफिलस जिसको बोलते हैं स्मॉल फॉक्स, स्मॉल बैट एक्चुअली। अब मैं थोड़ा सा ना आपको बैट के बारे में बता देता हूँ, मतलब मैं खड़े खड़े आपको बैट के बारे में बता देता हूँ। ओके, जो बैट होते हैं बेटा, यूजली उनकी आई जो है नॉन फंक्शनल होती है, ये हमें बचपन से पता होता है। बैट के अंदर एक हाईली डेवलप्ड इको एपरेटस होता है। बैट के अंदर जो मेंबर्स होंगे इनके पास अ हाईली डेवलप्ड, इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन, हाईली डेवलप्ड इको एपरेटस होता है। अब ये जो हाईली डेवलप्ड इको एपरेटस है ये काम कैसे करता है मैं बता देता हूँ आपको। सो द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर हैविंग अ हाईली डेवलप्ड इको एपरेटस। ये जो इको एपरेटस होता है ये ना इसके पास अपना एक रडार सिस्टम होता है। दिस इको एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ रडार सिस्टम ऑफ इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल ये सामने एक ऑब्जेक्ट है और आई एम द बैट हियर, लेट्स जस्ट इमेजिन। तो मैं कुछ ना सुपरसोनिक रेडिएशन एमिट करूँगा, देर सर्टेन सुपरसोनिक एमिशन, सर्टेन सुपरसोनिक रेडिएशन विच हैज़ बीन एमिटेड, एंड वो वाइब्रेट करती है पूरी हवा के अंदर और जाके फिर डायरेक्टली अटैक करती ऑब्जेक्ट पे। तो सुपरसोनिक रेडिएशन निकली, जाके अटैक की और फिर वो वापस मेरे पास आएंगी, मैं परसीव करूँगा। तो इन सुपरसोनिक रेडिएशन से मुझे पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डैट ऑब्जेक्ट। तो मेनली जो भी सुपरसोनिक रेडिएशन है वापस कहाँ से वो पिकअप करेगा, बाय द ईयर्स। अब आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस ऑफ बैट दे इज़ अ वेरी स्पेशल हाईली डेवलप्ड इको एपरेटस विच इज प्रेजेंट। उनके पास अपना रडार सिस्टम होता है, वो सुपरसोनिक साउंड एमिट करते हैं एंड डेट सुपरसोनिक साउंड वाइब्रेट थ्रू द एयर एंड देन स्ट्राइक अपॉन एनी ऑब्जेक्ट।
फिर स्ट्राइक होने के बाद जो भी कोई रास्ते में आता है, ठीक है, एंड देन इट हैज़ बीन डिफ्लेक्टेड बैक एंड इंस्टेंटली इट हैज़ बीन परसीव्ड बाय देयर ईयर्स. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जानने के लिए उनके पास होता है इको एपरेटस. तो आई कैन से दीज वार्निंग इकोज अनेबल द बैट टू लोकेट एंड इनवेड ऑल द ऑब्स्टेकल इन देयर कोर्स. फॉर एग्जाम्पल, आप भागे जा रहे हो, आंखें आपके काम की नहीं है, तो क्या होगा, आप तो सामने टक्कर मारोगे. अब वो टक्कर ना मार सके तो उसके लिए क्या होता है, इको एपरेटस होता है. ठीक है बेटा, तो आया इको एपरेटस. बस इको एपरेटस याद रख लेंगे वो ठीक है, कैसे काम करता है डैट इज़ नॉट ऑफ योर यूज़, और याद हो जाए तो, अगर समझ में आ गया तो डैट इज़ वेरी गुड. फिर जो बेबी बैट होता है वो ना एक तरह से चिपक जाता है, इट क्लिंग्स वेरी टाइटली टू इट्स मदर बॉडी. जो बेबी बैट है वो अपनी मदर की बॉडी से बहुत टाइटली अटैच रहता है, और इन इट्स माउथ इट परमानेंटली होल्ड वन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड. उसका जो माउथ होगा, उसमें जो बेबी बैट का माउथ होगा उसके अंदर हमेशा एक निपल रहता है. ठीक है बेटा, बुकर टाइप होता है, लेट इट बी. तो ये आगे समझ. ऑल राइट, सो आपको दो एग्जाम्पल बताए मैंने, एक बता दिया टेरोपस. टेरोपस का दूसरा, देखो टेरोपस जो होता है ना वो आपका फ्रूट ईटर होता है. एक होता है फ्रंगीवोरस, इट इज फ्रंगीवोरस बिकॉज इट इज फ्रूट ईटर. और जो स्मॉल बैट होता है, जो स्क्यूटोफिलस होता है, उसको कॉमनली बोलते हैं वो इंसेक्ट ईटर होता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं कार्निवोरस बैट. एक कार्निवोर होता है और एक फ्रंगीवोर होता है. अब ये मत कहना सर ये इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट में क्यों रख दे, क्योंकि इसके अंदर ना ये विंग्स मॉडिफाई हो जाते हैं, वॉल्यूम मॉडिफाई हो जाता है इनटू विंग्स. ठीक है बच्चों, तो तीन ऑर्डर कंप्लीट हो गए. फर्स्ट ऑर्डर वाज इंसेक्टिवोरा, सेकंड ऑर्डर वाज डर्मेप्टोरा, एंड थर्ड ऑर्डर इज शिटोप्टेरा. आपको अगर कुछ भी नहीं याद रहे तो आप प्लीज़ इनके एग्जाम्पल्स याद रख लें कि शिटोप्टेरा जो बैट होता है वो शिटोप्टेरा से बिलोंग करता है, एंड दैट इज़ द ट्रूली फ्लाइंग मैमल. और उसके अंदर फोर लिम डेवलप हो जाता है विंग्स में, उसके अंदर इकोसिस्टम डेवलप होता है. एक फ्रूट ईटर होता है और एक कार्निवोर होता है. जो कार्निवोर है वो जनरली स्मॉल इन साइज है, और जो फ्रूट ईटर है वो जनरली लार्ज इन साइज है. तो आपकी जो बुक में वो प्रोटोप टेरोपस के बारे में, जो अपनी बुक में वो टेरोपस के बारे में. इज दैट क्लियर? राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट ऑर्डर. लेट अस मूव टू नेक्स्ट ऑर्डर, दैट वुड बी ऑर्डर नंबर 4 or 5. आई गेस इट शुड बी ऑर्डर नंबर 4. लेट मी क्लियर अप दिस बोर्ड एंड लेट अस फाइंड अवर नेक्स्ट ऑर्डर. राइट, तो बच्चों आपने पढ़ लिया है शिटोप्टेरा, डर्मोप्टेरा और इंसेक्टिवोरा. अगला जो ऑर्डर पढ़ेंगे उसको बोलते हैं बेटा फोलियोडोटा. अजीब सा नाम है. द नेम ऑफ ऑर्डर इज फोलियोडोटा. फोलियोडोटा, देखो फोलियोडोटा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनके पास हॉर्नी स्केल होते हैं, ऐसा मैमल जिनके पास हॉर्नी स्केल होते हैं. सो नेक्स्ट ऑर्डर इज फोलियोडोटा. फोलियोडोटा एंड दीज आर द एनिमल विच आर हैविंग हॉर्नी स्केल्स, हॉर्नी स्केल्स ऑन देयर बॉडी. तो क्या किसी मैमल्स के पास स्केल्स भी होते हैं? आंसर इज येस, और उनके पास ट्रू प्लेसेंटा भी होता है. देखो ये जो मेंबर होते हैं इस ऑर्डर के, उनका जो बॉडी होता है वो कवर होता है विद ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल, और बीच बीच में ना हेयर्स भी आते रहते हैं. तो बॉडी इज कवर्ड, बॉडी इज कवर्ड विद हॉर्नी स्केल्स एंड बहुत ही घने से बाल होते हैं, स्पार्स हेयर इन बिटवीन. तो अगर आप उनके बॉडी को देखोगे तो क्या तो हेयर्स होंगे और साथ साथ में पूरी बॉडी पे स्केल्स होंगे और बीच बीच में हेयर्स भी नजर आ जाएंगे. मैं नाम लूंगा तो शायद आपको याद आ जाएगा. फोलियोडोटा में क्लासिकल एग्जाम्पल आता है पेंगोलिन के बारे में. पढ़ा है आपने पेंगोलिन वगैरह अगर देखे हो, उसको ना स्केली आंट ईटर भी कहते हैं, क्यों बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं. उसका साइंटिफिक नेम होता है मैनिस, और उसके पास टीथ नहीं होते हैं, याद रखना. फोलियोडोटा के जो मेंबर हैं, टीथ आर एब्सेंट, एंड द क्लासिकल एग्जाम्पल इज मैनिस, द अदर नेम इज स्केली एंड ईटर. तो बच्चों वो मैमल जिनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं उनको हमने क्लासीफाई कर दिया फोलियोडोटा के बारे में.
अच्छा, जो मैनिस और स्केली आंट ईटर होते हैं इसी को बोलते हैं पेंगोलिन, इसी को बोलते हैं और पेंगोलिन। पेंगोलिन के बारे में कुछ बताऊं? चलो बता देते हैं। पेंगोलिन जो है आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा? इट कैन बी सीन इन द हिली एरियाज ऑफ असम, इट कैन बी सीन इन सिक्किम और इट कैन बी सीन इन साउथ इंडिया। पहली चीज़, तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है बेटा। सेकंड, याद रखेंगे इसका जो बॉडी होता है डैट इज़ कवर्ड बाई एपिडर्मल स्केल्स, और एपिडर्मल स्केल उसके स्नॉट पे नहीं होते हैं, तो पूरे बॉडी पे एपिडर्मल स्केल है, स्नॉट पे नहीं होगे, जो अंडर सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस एनिमल इज स्टैंडिंग लाइक दिस, ये वाला जो पार्ट है वो अंडर सरफेस है, तो अंडर सरफेस पे नहीं होगे, स्नॉट पे नहीं होंगे, ज़्यादातर रात को निकलता है, तो ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है। फिर पेंगोलिन के बारे में बताऊँ कि ये ना, इसके पास टीथ वगैरह नहीं है तो खाना कैसे खाता होगा? ये अपने बहुत ही हाईली प्रोट्रूसिबल टंग को विड्रॉ करता है और प्रे को कैप्चर कर लेता है, इट विड्रॉज। ये जो चीज़ें बता दूँ, ये मेंशन नहीं करने की है, मैं उसे बता दूँ नॉलेज वाइज कि ये इनके पास टीथ नहीं है तो अपनी हाईली प्रोट्रूसिबल टंग को एक बार विड्रॉ करता है, अपने प्रे वगैरह को पकड़ के ले आता है। डिफेंस में ये भी अपने आप को रोल कर सकता है लाइक ए बॉल, तो आपने दो तीन एनिमल पढ़ लिए जो लाइक ए बॉल डिफेंस में रोल करते हैं, वो प्लीज़ याद रखते जाइए। और इसका एक नाम और होता है, इसको ना हम स्टोन ईटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो पायरोलिक पार्ट ऑफ स्टमक होता है उसके अंदर वो छोटे छोटे से स्टोन रखता है, जैसे बर्ड्स अपने गिजर्ड के अंदर स्टोन रखती थी। तो इट इज़ सम टाइम पेंगोलिन इज आल्सो नोन एज स्टोन ईटर। और स्टोन ईटर क्यों कहते हैं इसको बेटा? क्योंकि इसके पायरोलिक पार्ट ऑफ स्टमक में छोटे छोटे स्टोन्स मिल जाते हैं। तो फोलियोडोटा में हमने उन मेंबर्स को रखा है जिनके अंदर स्केल्स होते हैं, और क्लासिकल एग्जांपल है पेंगोलिन। और पेंगोलिन के बारे में याद रखना, टीथ नहीं होते हैं तो हाईली प्रोटोसिबल टंग होता है, इसके पास बॉल जैसा बन जाता है, रात के वक्त ज़्यादा सैर करने निकलता है, और साउथ नॉर्थ ईस्ट ऑफ आवर कंट्री में मिलता है, ठीक है बच्चे। ये हो गया अबाउट द ऑर्डर फोलियोडोटा। अब नेक्स्ट ऑर्डर शुरू करते हैं। सी, ऑर्डर इज़ वेरी इजी, आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर का नाम याद रखना है और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी जो चीज़ें आपको याद रह सके वो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर की अगर बात करें, हमने पढ़ ली स्केल्स वाले, हमने पढ़ ली आपके ग्लाइडिंग वाले, फ्लाइंग वाले और इंसेक्ट ईटर, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑर्डर आता है, अब पढ़ेंगे हम रोडेंशिया के बारे में। लेट मी टेल यू अबाउट रोडेंशिया ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 5, राइट, इज रोडेंशिया। देखो रोडेंट्स तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, रैट इज ए रोडेंट, रैट इज ए रोडेंट। आज मैं बताऊंगा रैट के अलावा और कौन रोडेंट होते हैं। स्क्वायरल भी रोडेंट होता है, पॉर्क्यूपाइंस भी रोडेंट होता है, इवन जो जीना पिग होता है वो भी रोडेंट होता है। तो रोडेंशिया में किन मेंबर्स को रखा गया है? अटेंशन प्लीज, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोडेंशिया में आपने रखा है ऐसे मेंबर को जिनके पास वन पेयर ऑफ शार्प इंसीजर होते हैं हर एक जॉ में। दे हैव वन पेयर ऑफ शार्प चीजर लाइक इंसीजर इन ईच जॉ। तो दो इंसीजर ऊपर की साइड होगी और दो इंसीजर नीचे की साइड होगी, बहुत ही शार्प होते हैं वो। कभी देखा रेड वगैरह को स्माइल करते हुए? कभी देखने का मौका मिले तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इनके अंदर ना कैनाइंस नहीं होते हैं, और जहाँ कैनाइन की जगह होती है वहाँ पे एक स्पेस मिलता है, उस स्पेस को बोलते हैं डायस्ट्रमा। कैनाइंस आर एबसेंट एंड लीव्स आर टूथलेस स्पेस इन जॉ, एंड लीव्स आर टूथलेस स्पेस इन जॉ, और उस टूथलेस स्पेस का नाम होता है डायस्ट्रमा। डायस्ट्रमा, तो व्हाट इज डायस्ट्रमा? डायस्ट्रमा वो रीजन होता है जहाँ पर कैनाइन को होना चाहिए था, तो वो खाली रीजन जहाँ कैनाइन नहीं होता है उसको बोलते हैं डायस्ट्रमा। अगर कैनाइंस वगैरह प्रेजेंट होंगे जैसे हमारे पास है, तो डायस्ट्रमा नज़र नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल, फिर थोड़ा रैट के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले मैं एग्जाम्पल बता दूँ। एग्जाम्पल होता है रैट, फिर आपने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, बात तो एक ही है स्क्वायरल, फिर होता है जीना पिग, ये सब ना रोडेंशिया में आते हैं, सारे रोडेंट्स हैं। और जैसे मैं बताया जो पॉर्क्यूपाइंस होता है, डेट इज़ आल्सो अ रोडेंट, पॉर्क्यूपाइंस
पॉर्क्यूपाइंस इज आल्सो अ रोडेंट. साइंटिफिक नेम ऑफ रैट तो मेंशन कर देता हूँ, इतना तो बनता है रैटस रैटस. साइंटिफिक नेम ऑफ रैट इज रैटस रैटस. अच्छा चलो थोड़ा सा ना रैट के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है, व्हाई यू आर हियर. जो रैट होते हैं बच्चों वो इज दे एनी फन इन टेलिंग के वो आपके ना कॉमन हाउस रैट. रैटस रैटस इज कॉमन हाउस रैट. रैट का डेंटल फार्मूला पूछ लेते हैं कई बार. रैट का जो डेंटल फार्मूला होता है वो याद रखना, 1003 1003. इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ द जॉ में एक इंसिजर ऊपर एक इंसिजर नीचे, और देखो कैनाइंस नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, ठीक है बेटा. रैट के बारे में याद रख लेना, रैट जो है वो हर्बीवोरस होता है, फोसोरियल होता है और नॉक्टर्नल होता है, और कई बार तो हाइबरनेशन भी कर लेता है, ठीक है. रैट का जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है वो तकरीबन 22-23 दिन होता है, 22 to 23 डेज ओनली. द गेस्ट्रेशन पीरियड ऑफ रैट इज़ ओनली 22 to 23 डेज. अगर मैं ब्रीडिंग की बात करूँ तो रैट जो है तकरीबन 4 times a year ब्रीड करता है, और जब भी वो ब्रीड करता है तो 6 to 8 बच्चे होते हैं. तो देखो साल भर में वो कितने 30 के करीब तो बच्चे बना ही देता है, सारे सर्वाइव नहीं करते वो अलग बात है. तो एक शॉर्ट गेस्ट्रेशन पीरियड होता है 22 to 23 डेज, 4 times इन ईयर रिप्रोड्यूस करेगा, और हर एक बार रिप्रोडक्शन में 6 to 8 यंग बेबीज बना देंगे, ठीक है. फिर रैट के बारे में ना कई बार वैसे उसके अगर मैं लिम्ब की बात करूँ, हमारा जो लिम्ब है उसमें 2 parts है, एक पार्ट ये, वैसे 3 ही parts मान लो, देखो part number 1, part number 2 and part number 3. ऐसे ही रैट के लिम्ब में भी 3 parts होंगे. ये जो ये पार्ट होता है ये होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, और इसको बोलते हैं स्टाइलोपोडियम. ईच लिम्ब इज हैविंग स्टाइलोपोडियम, जो तुम बाइसेप कह रहे हो. फिर जो ये तुम्हारी रिस्ट वाली पार्ट है वहाँ पे उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं जेगुपोडियम. जो लिम्ब होता है इट इज़ वर्थ मैंशनिंग, मैं लिख देता हूँ, इसे जरूरत तो नहीं थी. ईच लिम्ब इज हैविंग स्टाइलोपोडियम, क्यों मुझे लगा तुमने जेगुपोडियम की स्पेलिंग नहीं शायद समझ पाओगे. जेगुपोडियम जो होता है ना वो मिडिल पार्ट होता है. ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल पार्ट, ये हो गया मिडिल पार्ट, एंड ऑटोपोडियम जो होता है डेट इज़ द डिस्टल पार्ट. तो ये कुछ ऐसा है बेटा कि उनके पास यहाँ पर ये स्टाइलोपोडियम, ये जेगुपोडियम और ये ऑटोपोडियम है. तो अगर किसी ने बहुत ही शरारत करने की कोशिश की एग्जामिनर ने, उसने पूछ लिया कि जो आपका पाम होता है उसको क्या कहते हैं, आंसर वुड बी ऑटोपोडियम, ठीक है बेटा. पॉर्क्यूपाइन के बारे में कुछ बताऊँ, द साइंटिफिक नेम ऑफ पॉर्क्यूपाइन इज हाइस्ट्रिक्स. साइंटिफिक नेम ऑफ पॉर्क्यूपाइन इज हाइस्ट्रिक्स. पॉर्क्यूपाइन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ बच्चे, इनका जो बॉडी होता है ना उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा रिजिड सा इरेक्टाइल सा स्पाइन होता है जो एक्चुअली मॉडिफाइड हेयर है. तो सिंपली इतना याद रख लें कि पॉर्क्यूपाइन की बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा रिजिड सा इरेक्टाइल सा स्पाइन होते हैं, मतलब एक ना एक मल्टीपल स्पाइंस होते हैं जो किससे बनाए, डेट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ हेयर. 5वां रोडेंशिया एग्जाम्पल रैट, 1003 1003. रैटस रैटस नॉक्टर्नल, जो भी चीज़ें बताइए, ठीक है. अब आपको पता रैट और रैबिट अलग अलग ऑर्डर में आते हैं. अब बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट यही होता है कि रैट जो होता है वो रैबिट वाले ऑर्डर में आता है. आंसर इज नो, रैट इज़ ए रोडेंट, रैबिट इज़ नॉट ए रोडेंट. क्यों, क्योंकि मैं बताऊंगा उनकी जॉज में टीथ कैसे अलग होते हैं. तो जो नेक्स्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे डेट वुड बी लेगोमॉर्फा, और लेगोमॉर्फा इज द ऑर्डर ऑफ रैबिट. पहले तो यही याद रखेंगे. देखो मैं तो भूल गया कि मुझे ब्लू में लिखना था नाम, इट डजेंट मैटर एक्चुअली. सो नेक्स्ट ऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लेगोमॉर्फा. देखो लेगोमॉर्फा का कैसे जॉ अलग होता है फ्रॉम रोडेंशिया. लेगोमॉर्फा के पास 2 pairs ऑफ इंसिजर होते हैं अपर जॉ में, एंड 1 pair ऑफ इंसिजर होता है लोअर जॉ में. 2 pairs ऑफ इंसिजर इन अपर जॉ एंड 1 pair ऑफ इंसिजर, 1 pair ऑफ इंसिजर इन लोअर जॉ. तो एक तो ये फर्क होता है कि उनके दोनों जॉज के अंदर 1 pair ऑफ इंसिजर थे, उनके अपर जॉज के अंदर 2 pairs ऑफ इंसिजर होते हैं, ठीक है. एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये याद रख लेना.
इनके पास भी कैनाइंस नहीं होते हैं, नो फन इन टेलिंग, दे आर नो कैनाइंस हेयर। अच्छा, अगर आप ना डेंटल फार्मूला से याद रखना चाहते हैं, लेट मी गिव यू द डेंटल फार्मूला। इनका डेंटल फार्मूला होता है 2033 1023, 2033 1023। मतलब जो लोअर जॉ है उसके अंदर प्रीमोलर दो होते हैं एक साइड पर, दो होते हैं इस साइड पर, तो चार प्रीमोलर हो गए। अपर जॉ में प्रीमोलर तीन इस साइड, तीन इस साइड, तो छह प्रीमोलर होते हैं। तो मैंने बता दिया दे आर टू पेयर ऑफ इंसिजर, दो इस साइड होंगे, दो इस साइड होंगे, एंड वन पेयर ऑफ इंसिजर इन लोअर जॉ एंड टू पेयर ऑफ इंसिजर इन अपर जॉ। हु विल टेल मी द साइंटिफिक नेम ऑफ रैबिट? एनी आइडिया? द साइंटिफिक नेम ऑफ रैबिट शायद आपने कभी सुना भी ना हो। द साइंटिफिक नेम इज ऑरिक टेलोगस, द साइंटिफिक नेम इज ऑरिक टेलोगस क्यूनिक्यूलस। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल रैबिट ऑरिक टेलोगस क्यूनिक्यूलस, ये होता है हमारा रैबिट। रैबिट के बारे में दो चार बातें बच्चों, इट वॉज मैंशनिंग हेयर, रैबिट भी हर्बीवोरस होता है, रैबिट फीकल मैटर के ऊपर फीड कर लेता है, तो वो कॉप्रोफेगस भी होता है। रैबिट जनरली मून लाइट में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ट्वाइलाइट जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे एनिमल को बोलते हैं क्रेस्पिक्यूलर। शुरू की बातें हो रही हैं। कर्सोरियल होता है, फोसोरियल होता है, एंड रैबिट पोलीगैमस होता है। फिर रैबिट का याद रखना, जो अपर लिप होता है उसके अंदर ना लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, जिससे उसके जो इंसिजर है वो एकदम विजिबल होते हैं। आपने देखी होगी रैबिट वगैरह के कॉस्ट्यूम वगैरह जो बच्चों को पहनाने के लिए देते हैं, तो अपर जो लिप कंप्लीट ना हो के उसमें ग्रूव है, वो इंसिजर विजिबल होते हैं, ऐसे लिप के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेयर लिप। तो रैबिट के अंदर होता है हेयर लिप। और हेयर लिप क्या होता है कि अपर लिप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, और उन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से इंसिजर वगैरह विजिबल होते हैं। ठीक है बेटा, रैबिट के साथ साथ जितने भी हेयर्स होते हैं, रैबिट के साथ साथ जो हेयर्स आप वर्ड यूज़ करते हैं, हेयर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू लेगोमोर्फा। तो फर्स्ट एग्जांपल इज रैबिट एंड सेकंड एग्जांपल इज हेयर। तो एक कंपैरिजन बता देता हूँ, देखो आपका रोडेंशिया के अंदर रैट आता है और लेगोमोर्फा के अंदर रैबिट आता है, रैटस रैटस एंड ऑरिक्टेलोगस क्यूनिक्यूलस, छः ऑर्डर इज कम्प्लीटेड। इज दैट क्लियर? Let us move to the next order now. Let me clean up the board. अच्छा, the half journey is travelled, huh? So please dry ये मत. Okay, see, this is the last lecture of Animal Kingdom. और कोई कसर बाकी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद तो शायद Animal Kingdom इतनी डिटेल में पढ़ने का मौका कभी ना मिले हमें। फिर जब आप रिवाइज करोगे तो आई बेटर नो आप NCERT पकड़ के बैठ जाओगे। NCERT में एक पैराग्राफ भी नहीं है मैमेलिया के बारे में, NCERT में एक ज़्यादा पैराग्राफ भी नहीं है। पर कुछ और चीज़ें हैं जो एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है। लेट मी टेल यू, ऑर्डर्स के नाम पूछे गए हैं, हॉर्स का पूछा गया है, मैमल का, ह्यूमन का पूछ लेते हैं, तो जितने भी मेजर ऑर्डर्स हैं वो मैं मेंशन ही कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर मुझे भी एक दो ही और याद है, बाकी तो कहाँ याद है, जितने याद आएंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं ऐसे एनिमल का जो ना वो मैराइन होते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मैमल, सिटेसियंस, सिटेसिया, सिटेसिया, गॉड ब्लेस यू, सिटेसिया जो ऑर्डर होता है वो होता है एक्वेटिक मैमल का। इसके जो मेंबर होते हैं बच्चों, उनका बॉडी फिश लाइक होता है, एंड दे आर वेल एडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ। फिश लाइक बॉडी एंड दे आर वेरी वेल एडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ। इज दैट क्लियर? अब दो चार चीज़ें तो बता ही देता हूँ इनके बारे में, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे सिटेशिया में। जो सिटेशियंस होते हैं उनके पास जो फोरलिम है वो डेवलप हो जाता है फिन्स में, और हाइंडलिम नहीं होते हैं। तो फोरलिम इज डेवलप्ड इनटू फिन्स एंड हाइंडलिम्स आर एब्सेंट। और फिन्स ना वर्ड यूज़ करके ना उनको फ्लिपर भी कह देते हैं, एक्चुअली फिन्स वर्ड यूज़ ना करके उनको फ्लिपर भी कहते हैं। तो मैं लिख दूँ फिन लाइक फोरलिम, fin-like forelimb, and they are having no hind limb, right? All right. उसके बाद अगर next characteristic feature की बात करें, इनकी भी जो testes होते हैं वो inside the abdomen होते हैं। They are also having
एब्डो, मैंने शायद बताया था ना व्हेल वगैरह के बारे में, हाँ हाँ एब्डोमिनल टेस्टिस इज प्रेजेंट देयर। तो बच्चों हाइंड लिम्स नहीं होते हैं, एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है और स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसको बोलते हैं ब्लबर। और जो ब्लबर है वो एज ए रिजर्व फूड भी काम करता है, ब्लबर इंसुलेशन का भी काम करता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी कम करता है। तो अ थिक लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन और इस थिक लेयर ऑफ फैट को बोलते हैं ब्लबर। और जो ब्लबर होता है इट एक्ट एज रिजर्व फूड आल्सो, इट प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट लोअर डाउन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, लोअर्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो सिटेशियंस के पास एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग होता है, फोर लिम्ब नहीं होते हैं, फोर लिम्ब फिन जैसे होते हैं, हाइंड लिम्ब नहीं होते हैं, एब्डोमिनल टेस्टिस, ब्लबर के बारे में बता दिया। जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट याद रखें, इनके पास जो पिन्ना है क्या तो रिड्यूस्ड है, एब्सेंट है, हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं बॉडी पे, सिर्फ लिप्स के पास हेयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड नहीं होती है। तो नेक्स्ट कुछ और फीचर, पिन्ना आइदर रिड्यूस्ड और एब्सेंट, हेयर्स ओनली प्रेजेंट ऑन लिप्स, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड आर ऑल्सो एब्सेंट। स्वेट की क्या जरूरत है पानी में इनको, ठीक है, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड दे ऑल्सो एब्सेंट, हेयर नहीं है तो फिर किसको वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यस समथिंग इंपॉर्टेंट कि जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, जो सिटेशंस हैं, उनके पास न ईयर पिन ना होता है ना ग्लैंड्स वगैरह होती है। एग्जाम्पल का अगर मैं डिस्कशन करूँ तो व्हेल, डॉल्फिन, पॉइज, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिटेशियन। तो लेट यू मैंशन एग्जाम्पल हेयर, फिर उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दूंगा व्हेल के बारे में, बताऊँगा कुछ चीज़ लिख भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट सी है। ठीक है, तो व्हेल, डॉल्फिन एंड पॉइज, हु विल टेल मी द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हेल, एग्जाम्पल व्हेल, डॉल्फिन एंड पॉर्पोइज, टॉर्टोइज मत लिख देना, डेट्स पॉर्पोइज राइट, टॉर्टोइज रेप्टिलियन हो गया और पॉर्पोइज इज ए मैमल, एक्वेटिक मैमल। हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि भाई व्हेल के बारे में कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू व्हेल, काफ़ी बार पूछा गया है, उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्लेनोप्टेरा मस्क्यूलस, बेलेनोप टेरा मस्क्यूलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हेल। अच्छा, व्हेल के बारे में एक चीज़ बताऊँ, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े काम की चीज़ है। देखो आप याद रखना, जो व्हेल होती है उसके, जब हम लिम्स की बात करते हैं तो उनके पास ना जो पेल्विक गर्डल होता है वो नहीं होता है, और पेल्विक गर्डल नहीं होगा तो हाइंड लिम्स भी नहीं होंगे। ब्लू व्हेल को आप ना क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज ब्लू व्हेल। जब हम लैंड की बात करते हैं तो एलिफेंट आ जाता है, तो उनके पास जो पेल्विक गर्डल है वो नहीं होता है, हाइंड लिम्स भी जो है वो उनके डेवलप नहीं होते। सिर्फ ग्रीन, जो ग्रीनलैंड में व्हेल मिलती है, द नेम इज ग्रीनलैंड ब्लू व्हेल और सिंपली ग्रीनलैंड व्हेल्स, सिर्फ ग्रीनलैंड व्हेल ऐसी होती है जिनके पास होता है वेस्टिजेस ऑफ हाइंड लिम्ब और उनके पास बोन ऑफ हाइंड लिम्ब होती है उनकी थाई के अंदर। तो मेंशन कर दूं, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब्स आर एब्सेंट, एक्सेप्शन ग्रीनलैंड व्हेल हैव वेस्टिजेस
ऑफ पेल्विक गिर्डल एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम इन बॉडी एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम इन बॉडी दिस थिंग इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा. अच्छा एक दो चीज और पूछ लेते हैं ब्लू व्हेल के बारे में. जो आपको ब्लू व्हेल होती है वो कहाँ मिलती है? देखो याद रखना ब्लू व्हेल स्विम करती है विद द हेल्प ऑफ पावरफुल फ्लिपर. तो ये जो फिन लाइक मैंने वर्ड यूज किया था ना फोर लिम्ब, ये फ्लिपर होता है. डैट इज एक्चुअली फ्लिपर और उसके फ्लिपर बहुत पावरफुल होते हैं, उनकी हेल्प से ही वो स्विम करती है. इंडिया वगैरह में ब्लू व्हेल मिलेगी? आंसर इज नो. एंटार्क्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशन में मिलती है आपको ब्लू व्हेल. अच्छा इनका जो अपर जॉ होता है उनके अंदर ना एक हॉर्नी शीथ होती है जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं बलीन प्लेट. बलीन प्लेट के बारे में बता दूं, जो बलीन प्लेट है इट्स ए हॉर्नी शीथ. यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट टू. इट्स ए हॉर्नी शीथ प्रेजेंट इन द अपर जॉ. और इसका काम देखो टीथ वगैरह नहीं होते अपर जॉ में, याद रखना इनके अपर जॉ में टीथ नहीं होते हैं, उसकी जगह होती है वो हॉर्नी शीथ जिसको बोलते हैं बलीन प्लेट और फिल्ट्रेशन के काम करती है. इट इज मेंट फॉर फिल्ट्रेशन. तो बलीन प्लेट प्रेजेंट इन अपर जॉ इन प्लेस ऑफ टीथ. जो भी वो टीथ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है वो एक्चुअली एक हॉर्नी शीथ है जिसको बोलते हैं बलीन प्लेट. नेक्स्ट पॉइंट. तो बच्चों आप ये भी याद रखना कि भाई जो व्हेल के यंग वन होते हैं उनके ना लिप्स वगैरह सेक्टोरियल नहीं होते, लिंक्स लिप्स वगैरह डेवलप नहीं कर पाते. तो मेनली जो मिल्क है वो स्क्विड किया जाता है इनसाइड द थ्रॉट ऑफ यंग वन बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. मिल्क इज स्क्विटेड इनटू थ्रॉट ऑफ यंग वंस by contraction of muscles. ठीक है बच्चों. Now there is one more important point which worth mentioning about whale. Whale का जो throat होता है वहाँ पर एक बहुत ही special network of arteries and veins होता है. उस network of arteries and veins से exchange of air भी हो जाता है. That is the one which is acting as an accessory respiratory organ. या पानी के अंदर जब वो respiration करती है तो lungs के साथ वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. द नेम ऑफ डैट नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट इन द थ्रॉट ऑफ व्हेल इज उसका नाम होता है रेटिटे मिराबाइल. रेटिटे मिराबाइल, रिटे मिराबाइल, नॉट रेटिटे, इट इज एक्चुअली नोन एज रिटे मिराबाइल. तो वॉट इज रिटे मिराबाइल? आंसर इज इट्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स विच आर फाउंड इन द थोरेसिक रीजन एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन अंडर वाटर. कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है बेटा. डेट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन. Is that clear to you? Answer is yes. This is what I believe. ये हो गया बच्चे आपका ब्लू व्हेल के बारे में. फिर एक ना व्हेल होती है जिसको बोलते हैं किलर व्हेल. एक व्हेल होती है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ह्यूमन अटैक सबसे ज़्यादा वही करती है. उसका साइंटिफिक नेम होता है द साइंटिफिक नेम ऑफ किलर व्हेल इज ऑर्किनस. द ऑर्किनस, ऑर्किनस इज साइंटिफिक नेम ऑफ किलर व्हेल. फिर एक और व्हेल है जिसके अंदर से एक बहुत स्पेशल केमिकल मिलता है और वो परफ्यूम वगैरह बनाने में हेल्प होता है. उसको नाम, उसका नाम होता है फाइसेटर. और फाइसेटर इज स्पर्म व्हेल. फाइसेटर, फाइसेटर और लेट्स कॉल डेट स्पर्म व्हेल. वैसे तो मैं आपको बता दूँ जो ब्लू व्हेल की किलिंग होती है जनरली उसके ऑयल की वजह से होती है, उसके ऑयल के लिए होती है और उसका ऑयल भी मल्टीपल जगह काम आता है. खैर स्पर्म व्हेल के बारे में बताऊं, जो फाइसेटर होता है उसके स्टमक से एक बहुत स्पेशल केमिकल मिलता है. द नेम ऑफ डेट केमिकल इज एम्बर ग्रीस. तो एम्बर ग्रीस जो है वो उसके स्टमक से मिलेगा एंड डैट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ परफ्यूम.
सो फॉर्म इट्स स्टमक एम्बर ग्रीस इज कलेक्टेड फ्रॉम इट्स स्टमक. तो व्हेल दो तीन हो गई आपकी, ब्लू व्हेल हो गई, किलर व्हेल हो गई और स्पर्म व्हेल हो गई. इज डेट क्लियर? डॉल्फिन के बारे में भी थोड़ा बता दो सर. यू नो विच इज़ अ नेशनल एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? आंसर इज गैंगेटिक डॉल्फिन. द नेम ऑफ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज गैंगेटिक डॉल्फिन और उसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका. प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, इट इज ऑल्सो नोन एज गैंगेटिक डॉल्फिन. ब्रह्मपुत्र में जो मिलती है, गंगा जी में जो मिल जाती है, एंड दैट इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ अवर कंट्री. सिटेशिया ना थोड़ा डिटेल में चले गए हम, बस मैं ख़त्म करता हूँ. ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल. फिर ना अगर आपसे कोई पूछ ले कॉमन डेल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आप आंसर करेंगे डेल्फिनस. डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन. डेल्फिनस इज कॉमन डॉल्फिन. मैं सिटेशन को यही ख़त्म कर रहा हूँ. ठीक है, तुम काट खाओगे वरना मुझे. ऑलराइट, सो दिस वाज द ऑर्डर जिसमें कौन बिलोंग कर देते. दिस इज द ऑर्डर टू विच हु बिलोंग. आंसर इज एक्वेटिक मैमल्स और व्हेल, डॉल्फिन, पॉपोइज, ये जितने भी है. वैसे तो ज़्यादातर क्लास में ना ये जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो एक जोक भी होता है कि भाई मैं नॉर्मली बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, तो बच्चे बड़े खुशी से आंसर करते हैं सर व्हेल, जबकि फिर उनको आंसर मिलता है कि इट्स अ मैमल. एंड सिमिलरली फिर बातों बातों में पूछा जाता है कि बताओ सबसे समझदार मछली कौन सी होती है, बच्चे बोलते हैं सर डॉल्फिन, क्योंकि हमने डॉल्फिन शो देखे हैं. फिर आंसर होता है कि डॉल्फिन इज अगेन ए मैमल. तो थोड़ी सी ना बड़ी ही एम्ब्रेसिंग सा कंडीशन हो जाता था बच्चों के लिए, पर लॉकडाउन ने तो हमारे सारे जो भी फन था ख़त्म कर दिया है. सिर्फ पढ़ाई 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 हो रही है. खैर, मैं तो नंबर ही भूल गया कौन सा ऑर्डर था. इट वाज 8 or 9 जो भी था. मैं नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, डेट इज़ ऑर्डर कार्निवोरा. नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर कार्निवोरा. हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके अब सिंपली वो पूछ लेते हैं कार्निवोर क्या होते हैं. तो देर इज़ नो फन इन टेलिंग, ये तो फ्लैश ईटर होते हैं. कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश ईटर हैं. तो जितने भी एनिमल मीट वगैरह खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, उनको हमने अलग रख दिया है. सर वो फ्लैश क्यों खा सकते हैं? उनके पास शार्प पॉइंटेड कैनाइन होते हैं. दे आर हैविंग शार्प पॉइंटेड कैनाइंस. उनके पास स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जॉ से वो चीज़ों को टीयर अप कर सकते हैं. शार्प पॉइंटेड कैनाइन से चीज़ों को टीयर अप कर सकते हैं. वो उनको क्या नाम है, आम से मेस्टिकेट कर सकते हैं. अगर बात करें उनके पास जो क्लॉज होते हैं, जो भी आपके पास कार्निवोर एनिमल है, उनके क्लॉज भी वेल डेवलप्ड होते हैं. दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड क्लॉज. अब एक नहीं, दो नहीं, खूब सारे कार्निवोर एनिमल के मैं नाम बताता चले जाऊंगा आपको, जितने भी आपको मतलब मुझे याद आएंगे. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो डैट डॉग, कैट, लॉयन, चीता, दे ऑल आर कार्निवोर. तो फटाफट बात करें, डॉग, कैट, लायन, चीता, दीज ऑल आर कार्निवोर. एक बार सारे बता दूं मैं आपको. देखो, डॉग कार्निवोर होता है, लायन कार्निवोर होता है, वुल्फ कार्निवोर होता है, जैकॉल कार्निवोर होता है, फॉक्स भी कार्निवोर होती है, चीता लायन तो कार्निवोर हो ही गए, पांडा इज कार्निवोर, बियर इज कार्निवोर, सी लायन इज कार्निवोर, टाइगर इज कार्निवोर. फिर आपने ना मैंगूज के बारे में पढ़ा होगा, मैंगूज इज आल्सो कार्निवोर. इवन ओटर जो होता है वो कार्निवोर. इतने क्यों नाम लिखने, तो ये चार पांच याद रख लेना. डॉग, कैट, लायन, चीता, टाइगर, दीज आर द कार्निवोर एनिमल. ठीक है, तो टाइगर एंड कैट दोनों एक ही, तुमने तो पढ़ा भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. शुरू में पढ़ लेते हैं लिविंग बर्ड बाजी के क्लासिफिकेशन में. ये कार्निवोर का ऑर्डर हो गया. नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा, अब ना एलिफेंट वाले ऑर्डर की बात करते हैं. एक ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर उन एनिमल को रखा है जिन एनिमल का जो स्नॉट है वो बहुत ही डेवलप हो जाता है, उनके पास लॉन्ग मस्कुलर ट्रंक होती है, उसको बोलते हैं प्रोबोसीडिया. प्रोबोसीडिया
दीज आर द वन विच आर हैविंग अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्रंक. प्रोबोसीडिया में वो एनिमल हमने क्लासीफाई किए हैं जिनके अंदर एक बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही मस्कुलर ट्रंक होता है. अब प्रोबोसीडिया के बारे में पढ़ें, ठीक है. इनकी जो स्किन है वो बहुत ही थिक होती है. स्किन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पैकेडम. दे आर थिक स्किन्ड, डैट्स वाई वी यूज द टर्म पैकीडम हियर. थिक स्किन्ड और पैकी डर्मल इन नेचर. ठीक है बच्चों, एलिफेंट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊं. एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल होता है. जो अल्फा सिंडिकस होता है वो होता है इंडियन एलिफेंट. कहाँ बताने दोगे. अल्फा इंडिकस इज इंडियन एलिफेंट. फिर एक इससे भी बड़ा होता है. अगर आपसे पूछा जाए जो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है वो अफ्रीका में मिलता है, उसका नाम होता है अफ्रीकन एलिफेंट और लॉक्सोडेंटा. लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना इज अफ्रीकन एलिफेंट. और जो लॉक्सोडेंटा होता है ये लार्जेस्ट लिविंग मैमल की तरह ट्रीट होता है. चलो, एलिफेंट के अंदर ना जो उसका नोज होता है, जो उसका अपर लिप होता है, वो ना एक बहुत बड़े प्रोबोस्किस में डेवलप हो जाए, इसको बोलते हैं आप सूंड या ट्रंक जो है, या स्नॉट जो भी कहते हैं. उसके अंदर अबाउट 40,000 मसल्स होते हैं. एलिफेंट के बारे में ये भी याद रखना है, उसके जो अपर टू इंसिजर है वो मॉडिफाई हो जाते हैं टस्क में. दिस इज वर्थ मैंशनिंग हेयर. अपर टू इंसिजर इज मॉडिफाइड इन टू टस्क. सबसे बड़े ईयर इसके पास होते हैं तो इसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग वो बड़ी अच्छी होती है. मॉडिफाइड इन टू टस्क. आपने ईयर पिन्ना भी देखे होंगे, तो ईयर पिन्ना का काम ही होता है ना साउंड को ग्रैप करना. तो डैट इज़ ऑल अबाउट एलिफेंट. इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है. फिर लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है एलिफेंट का. देर इज़ नो फन इन टेलिंग. अबाउट 607 to 622 डेज के करीब होता है. देन एलिफेंट इज़ द ओनली मैमल जिसके पास चार नीज होती हैं. जैसे हम ये नीज नहीं, एल्बो है, उसके पास चारों नीज होती हैं. ये कुछ बातें हो गई जो आप याद रख लेंगे, ठीक है बेटा. नेक्स्ट ऑर्डर. फिर एक और ऑर्डर आता है, उसको कहते हैं ऑर्डर साइरेनिया. उसमें हर्बीवोरस एक्वेटिक मैमल आते हैं. ज़्यादा बातें नहीं उसके बारे में, तो मैं छोटी सी चीज़ एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ. हमें तो अभी वो तीन ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं. ऑर्डर ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही थे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर आते हैं बट बेटा एक्वेटिक हर्बीवोरस मैमल्स. तो जितने भी देखो, सी काओ के बारे में कौन नहीं जानता. मैनेटी के बारे में मैंने पहले पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. तो जो सी काओ या मैनेटी होता है वो होता है साइरेनिया. साइरेनिया के फीचर्स अगर मैं बताऊँ, इनके पास भी जो फोर लिम होता है वो फिन लाइक हो जाता है. इनके पास भी हैंड लिम नहीं होते. देयर इज नो फन इन टेलिंग. क्रस्टेशियन में बता दिया है. तो फिन लाइक फोर लिम, नो हैंड लिम. इनके पास भी हेयर्स नहीं होते हैं. इनके पास एक्सटर्नल ईयर भी नहीं होते हैं. तो हेयर्स एंड एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना की अगर मैं बात करूँ, वो दोनों कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं इन केस ऑफ साइरेनिया. क्लासिकल जो एग्जाम्पल याद रखोगे वो होगा मैनेटी. और इनके टेस्टिस भी एब्डोमिनल होते हैं. एब्डोमिनल टेस्टिस, नो हाइंड लिम्स, फिन लाइक फोर लिम्स. क्लासिकल एग्जाम्पल इज मैनेटी और सी काओ. कुछ याद आया इसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे का कंसेप्ट. कल बताया था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो. नहीं याद आया तो भाई याद कर लो प्लीज. आई गेस 10 के करीब हो गए ऑर्डर. और सुनो, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट की बात करते हैं. पैरिसोडक्टाइला एंड आर्टियोडक्टाइला, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ प्राइमेटा. वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर एनिमल किंगडम. तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट लास्ट. नेक्स्ट जो ऑर्डर हम पढ़ेंगे, देखो जो हूव्ड एनिमल होते हैं उसमें कुछ के अंदर ओड टोज होते हैं, कुछ के अंदर इवन टोज होते हैं. तो उनको अलग अलग ऑर्डर में रखा गया है. आपको जैसे मैंने पहले कहा था, ऑर्डर का नाम वो एग्जाम्पल याद कर लोगे तो सफिशियंट होगा. जनरल फीचर्स एज ए टीचर पढ़ाना मेरा कर्तव्य है. आप भी याद रखें एज ए स्टूडेंट, तो डेट वुड बी गुड. सो लेट स्टार्ट विद द ऑर्डर पैरिसोडक्टाइला. पैरिसो डेक
डक्टाइला। अब पैसो डक्टाइला कौन होते हैं? सबसे पहले जब भी पैसो डक्टाइला का वर्ड आपके कान में आए, आप याद रखना ये हर्बीवोर एनिमल होते हैं और इनके अंदर ओड नंबर ऑफ टोज होते हैं और हूव्ड एनिमल होते हैं। दीज आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस ओड टोड हूव्ड एनिमल। अब मैं तो चाहता हूँ सीधा एग्जांपल लिख के मैं ख़त्म कर दूँ ऑर्डर, पर दो चार बातें जो आप सुन ले तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ सुन ले, ठीक है। अब बच्चों ये जो एनिमल होता है इनके पास, पहले आप कंसेप्ट याद रखेंगे, इनको ना अंगलेट्स भी कहते हैं। अदर नेम ऑफ दीज एनिमल्स वो तो ओड टोड अंगलेट्स और इवन टोड अंगलेट्स दोनों ही पढ़ लोगे। जो पैसो डक्टाइला है, जो आर्टियो डक्टाइला होगा, दोनों के एनिमल जो है वो अंगलेट्स होते हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, इनके अंदर जो स्टमक होता है वो नॉन रुमिनेटिंग टाइप होता है, इनके पास ट्रू हॉर्न्स नहीं होते हैं। तो आ नॉन रुमिनेटिंग टाइप जो चीव वगैरह नहीं कर सकते हैं, उनके पास ट्रू हॉर्न्स नहीं है, ऑड नंबर ऑफ टोज है, कहाँ पे रख दिया आपने? पैसो डक्टाइला में। एग्जाम्पल सा जो आपका पैसो डक्टाइला आएगा उसके अंदर हॉर्स होगा, उसके अंदर एस होगा, उसके अंदर म्यूल्स आ जाएंगे, उसके अंदर ज़ेब्रा आ जाएगा, उसके अंदर राइनोसेरोस आ जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल इज हॉर्स, एस, म्यूल्स, ज़ेब्रा एंड राइनोसेरोस। राइनोसेरोस याद है, काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ काजीरंगा पार्क इन असम, वहाँ पर ना इनको क्या नाम है, एक तरह से प्रिजर्व किया हुआ, प्रिजर्व बोलेंगे या फिर उनका टेक केयर करते हैं। राइनो सिरोस, वन टोड वन होन राइनोसिरोस इज ओनली फाइंड इन इंडिया, ये याद रख लेना। ज़ेब्रा के केस में याद रखना कि ज़ेब्रा की जो दो वो स्ट्रिप्स होती हैं वो कोई भी दो स्ट्रिप्स आइडेंटिकल नहीं होती है, वो एग्जैक्टली लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है आपके हाथ का। तो जैसे हर एक इंडिविजुअल की हाथों की रेखाएँ अलग अलग होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होता है, जिसको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। ऐसे ही ज़ेब्रा की जो दो स्ट्रिप्स होती, किसी भी दो ज़ेब्रा की स्ट्रिप सेम नहीं होती। तो होस, सवाल पूछा गया था होस बिलोंग टू द ऑर्डर, आंसर वाज पैसो डक्टाइला, डेट्स इनफ राइट। वो रुमिनेटिंग नहीं होते, याद रख लेना, उनका स्टमक जो है नॉन रुमिनेटिंग टाइप होता है। देन नेक्स्ट ऑर्डर आता है ऑर्डर आर्टियो डक्टाइला। आर्टियो डक्टाइला के अंदर बच्चों ऐसे डक्टाइला के अंदर ऐसे एनिमल को रखा है जो इवन टोड होते हैं। इसके अंदर टोज क्या तो वन होंगे या थ्री होंगे, इसके अंदर टोज जो है वो क्या तो टू होंगे या फोर होंगे। सो हर्बीवोरस होंगे, इवन टोड हूव्ड एनिमल होते हैं, इनको भी अंगलेट्स ही बोलते हैं। अब आर्टियो डक्टाइला का जो स्टमक होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, उसके अंदर रुमिनेटिंग स्टमक होता है, वो रुमिनेंट्स होते हैं। तो अगर मैं आर्टियो डक्टाइला की बात करूँ, उसके पास इवन नंबर ऑफ टोज है, ट्रू हॉर्न या उनको एंटलर भी बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रू हॉर्न इज प्रेजेंट देयर, फोर चैम्बर्ड रुडिमेंट्री स्टमक इज प्रेजेंट, एग्जाम्पल काओ, बुफेलो, शीप, गोट, काओ, बुफेलो, शीप, गोट, ये सारे के सारे कहाँ जाते हैं? दे ऑल बिलोंग टू आर्टियो डक्टाइला। अगर आपको और भी मेंबर याद रखने, जिराफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टियो डक्टाइला में आएगा, डियर आर्टियो डक्टाइला में आएगा, एंटीलोप्स आर्टियो डक्टाइला में आ जाएंगे, कैमल आर्टियो डक्टाइला में आएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर यूर सरप्राइज पिग इज ऑल्सो आर्टियो डक्टाइला। और एक होता है लिवर होस, हिप्पोपोटामस, उसको बोलते हैं हिप्पोपोटामसियस, हिप्पोपोटामस और रिवर होर्स, डेट्स आल्सो बिलोंग टू आर्टियो डक्टाइला। सो आर्टियो डक्टाइला कौन से हो गए? जिनके पास इवन नंबर ऑफ टोज हो गए। पैसो डक्टाइला कौन से हो गए? जिनके पास ओड नंबर ऑफ टोज होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? मैं एग्जाम्पल बता दिए तो आप उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन मैं वीडियो प्रीमियर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे नोट डाउन करते चले जाए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ऑर्डर, अभी फाइनली ना प्राइमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लीज़ याद रखना, जो काव है वो आर्टियो डक्टाइला होती है, होस्ट जो है पैसो डक्टाइला में आता है। नेक्स्ट आते हैं वो ऑर्डर के बारे में जिसमें अपन लोग हैं, जिसमें हम, टू विच ऑर्डर वी ह्यूमंस बिलोंग, लेट अस टॉक अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय लैंग्वेज टुडे। लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर प्राइमेटा। द फाइनल ऑर्डर इज ऑर्डर प्राइमेटा। देखो अगर सवाल पूछा गया था एक साल, ह्यूमन जो है वो मैन किस ऑर्डर से बिलोंग करता, आंसर ही प्राइमेटा। प्राइमेट का मतलब होता है ऑफ फर्स्ट रैंक,
सारे मेमल्स में जो सबसे पहली रैंक पर आता है वो होते हैं ऑर्डर प्राइमेटा के। तो प्राइमेट्स वो एनिमल है जिनका जो ब्रेन वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, दे आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। प्राइमेट्स आर द वन व्हिच आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है बच्चा, अब प्राइमेट्स के ज्यादा फीचर ना पढ़ते हुए मैं आपको दो ग्रुप ऑफ प्राइमेट बता देता हूँ, एक वो जो मंकी से पहले थे और जो एक वो जो मंकी के बाद थे। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्राइमेट, टू ग्रुप्स। प्राइमेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोसीमियन एंड सीमियन। प्रोसीमियन बिफोर मंकीज एंड सीमियन इंक्लूडिंग मंकीज एंड आफ्टर मंकीज। अब प्रोसीमियन में कौन कौन आते हैं वो डिस्कशन कर लेते हैं। जो प्रोसीमियन है उसके प्रोसीमियन आर द वन विच आर बिफोर मंकीज, उसमें आते हैं लीमर, लॉरिस एंड टार्सियर। लीमर एक्चुअली यहाँ पर आते हैं, वो फ्लाइंग लीमर वो जो बता रहे फॉल्स होता है। लीमर, लॉरिस एंड टार्सियर ये जो है वो बिफोर मंकीज हैं। और सीमियन में आते हैं बेटा आपके मंकीज, हमारे एप्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैन, और ह्यूमन में लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोसीमियन और सीमियन वर्ड के बारे में समझ में आया। अच्छा, अगर लीमर की बात करें, लीमर का याद रखना वो मेडागास्कर में ही मिलता है और उसकी जो टेल होती है नॉन प्रीहेंसाइल होती है। लीमर इज फाउंड इन मेडागास्कर एंड इट इज हैविंग ए लॉन्ग एंड नॉन प्रीहेंसाइल टेल, लॉन्ग एंड नॉन प्रीहेंसाइल टेल। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर अबाउट लीमर। अगर लॉरिस की बात करें, लॉरिस इंडिया वगैरह में मिल जाता है। लॉरिस का जो फीचर होता है उसकी ना आइज थोड़ी बाहर को निकली होती है, टेल नहीं होता है एंड फॉरवर्डली डायरेक्टेड आइज होती है। इट इज फाउंड इन इंडिया, टेल एब्सेंट एंड इट इज हैविंग फॉरवर्डली डायरेक्टेड आइज। ये काफ़ी है इनके बारे में। ठीक है, मैं टार्सियर के बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको। देन मंकी, वी बेटर नो अबाउट मंकी, वी बेटर नो अबाउट एप्स। अच्छा, एप्स के बारे में बताओ कुछ आपको। चलो सुनो मज़े की, मतलब मज़ा क्या, अगर आपसे पूछता है कि नियरेस्ट मैमल कौन सा है जो ह्यूमन को रिजेंबल करता है, आंसर वुड बी एप। दिस एप इज द नियरेस्ट मैमल विच रिजेंबल ह्यूमन बींग। कॉमन एंसेस्टर एप एंड अस हैव अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब हमारे वो ऐप के जो पूर्वज थे वो सेम थे, रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस कभी पढ़ोगे इवोल्यूशन में। सो ये आपका जो है फर्स्ट व्हाट आई टोल्ड यू, इट इज़ द नियरेस्ट मैमल। सेकंड, इट शेयर कॉमन एंसेस्टर विद अस। थर्ड, याद रखना इसके जो फोर लिम्ब होते हैं वो लंबे होते हैं, दे आर लॉन्गर। इसके जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो छोटे होते हैं। ये फेशियल एक्सप्रेशन भी कर सकता है, लाइक प्लेजर, लाइक लॉफ्टर, लाइक सरप्राइज, लाइक एंगर, ऑल ऑफ द एक्सप्रेशन हैज बीन फॉलोड बाई देम। और इसके ना आपको अलग अलग स्पीशीज मिलेंगे, लाइक गिबोन्स इज देयर, ऑर्गनटन इज देयर, चिंपैंजी इज देयर, लार्जेस्ट एप इज गोरिल्ला। तो मैं एप में ये तो लिख ही देता हूँ, एप में जो आपको अलग अलग तरह के जो एप्स मिलेंगे वो होंगे आपके गिबोन्स, ऑर्गनटन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। गिबोन्स, ऑर्गनटन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। तो याद रखना इनके और हमारे गोरिल्ला नहीं गोरिल्ला, जो लार्जेस्ट ऐप है वो ये है, इनके और हमारे एंसेस्टर कॉमन है, ये हमारे एंसेस्टर नहीं है। और प्राइमेट्स ख़त्म करने से पहले लेट अस मेक ए टेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू कंपेयर बिटवीन मैन एंड एप। चलो एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर ना मैन और एप को हम एक बार कंपेयर कर लेंगे, फिर एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा एंड देन द चैप्टर वुड बी फाइनली ओवर बाय माय साइड। अब आप जब प्रिपेयर हो जाओगे तो आपकी तरफ तो तभी कंप्लीट होगा, राइट। लेट अस मेक अ कंपेरेटिव चार्ट बिटवीन ऐप एंड मैन ह्यूमन। यहाँ पे लिख देंगे ऐप के करेक्टर और यहाँ पे लिख लेंगे मैन के करेक्टर। ठीक है, मैन दोनों को इंक्लूड कर लेता, वो मैन को भी इंक्लूड कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई हम क्यों नहीं इसमें।
सबसे पहले तो जब आप शक्ल देखते हो तो जो उनके ब्रो रिजिज होते हैं, जो आईब्रोज हैं, वो ना बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कहूँ प्रोमिनेंट होते हैं। आईब्रोज आर मोर प्रोमिनेंट, मैन वगैरह ह्यूमन वगैरह में आईब्रो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, कुछ लोगों के हो जाते हैं, लाइक यू नो वी आर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर, पर नॉर्मली एज सच आईब्रोज आर नॉट सो प्रोमिनेंट। आईब्रोज दे आर नॉट सो प्रोमिनेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। फिर अगर सेकंड की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका कंपेयर करें, देखो इनके अंदर ना डायस्टेमा होता है इंसिजर और कैनाइन के बीच में, और ह्यूमंस में डायस्टेमा वगैरह नहीं होता। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं डायस्टेमा, डायस्टेमा अकर्स बिटवीन इंसिजर एंड कैनाइंस, और इट्स वर्थ मैंशनिंग हियर डैट देयर इज, मेरे मार्कर भी खत्म हो गया आज, नो डायस्टेमा हियर। आई गेस दिस इज द लॉन्गेस्ट क्लास यू एवर हैव ड्यूरिंग क्लास 11, राइट? आई फील सो, आई डोंट नो कि और भी वीडियोज इतने लेंदी मिले होंगे। तो देन अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, बेटा आर्म्स मैंने बता दी, आर्म्स इसमें लॉन्गर होते हैं लेग से, और उनमें आर्म्स शॉर्टर होते हैं लेग से। आर्म्स लॉन्गर देन लेग्स, और यहाँ पर जो आर्म्स है दे आर शॉर्टर देन लेग्स, शॉर्टर देन लेग्स। अच्छा, और क्या फीचर दोनों में अलग अलग होगा? अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, देखो जो हाथ का अंगूठा होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉलेक्स, और जो पैर का अंगूठा होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हॉलेक्स। तो पॉलेक्स एंड हॉलेक्स दोनों अपोजेबल होते हैं इन केस ऑफ एप, बोथ पॉलेक्स डैट इज थंब एंड हॉलेक्स डैट इज लार्ज टो, पैर का अंगूठा, राइट, आर अपोजेबल। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलेक्स अपोजेबल होता है, हॉलेक्स अपोजेबल नहीं होता है। ओनली पॉलेक्स इज अपोजेबल, जो हॉलेक्स होता है वो अपोजेबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हमारे वर्टिबल कॉलम में चार कर्व होते हैं, एप्स के वर्टिबल कॉलम में सिर्फ एक कर्व होता है, सिंगल कर्व इन वर्टिबल कॉलम, क्योंकि उनका बॉडी पोस्चर ही कुछ ऐसा है, एंड वी आर हैविंग फोर कर्वेचर, ये पढ़ेंगे जब आगे चल के ना, वर्टिबल कॉलम पढ़ेंगे, इन वर्टिबल कॉलम। ठीक है बेटा, तो ये कुछ जनरल कंपेरिजन्स हो गए मैन और ऐप के अंदर। और भी कुछ अगर आपको याद आ रहा हो तो आप याद रख सकते हैं कि ऐप के अंदर वो सलाहियत नहीं होती है, वो कैपेबिलिटी नहीं होती है टू राइट और टू कम्युनिकेट विद लैंग्वेज, राइटिंग स्किल्स नहीं है, स्पोकन वर्ड नहीं आ जाते हैं, या वो टूल्स वगैरह नहीं बना पाते थे। मैन के अंदर सारी जो है ना वो टूल मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, राइटिंग लैंग्वेज आ जाता है, कम्युनिकेशन वगैरह वेल डेवलप हो जाता है। तो एक फ़र्क ये भी है। तो बच्चों ये हो गया अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ममेलिया। हेयर वी कंप्लीट अवर टॉपिक और अवर लेक्चर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ममेलिया। बिफोर कंप्लीटिंग लेक्चर मैं एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड करूँगा कि अलग अलग मैमल्स के अंदर कैसा पैटर्न ऑफ लोकोमोशन डेवलप होता है। कुछ अपने ना कंप्लीट सोल को रेस्ट करते हैं मूवमेंट करते हुए, कुछ सिर्फ डिजिट को यूज़ करते हैं मूवमेंट करते हुए। तो एक छोटा सा 2-3 मिनट का टॉपिक और है, एंड देन फाइनली एनिमल चैप्टर वुड बी ओवर, एनिमल किंगडम चैप्टर वुड बी ओवर। आपसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ, नहीं नहीं, आई टू लव दिस चैप्टर, आई टू लव ऑल द चैप्टर्स एक्चुअली। शायद आपको चीज़ समझ में आ रही हो कैसे कैसे मैमल्स या हम ह्यूमन इवोल्व हुए पूरा एनिमल किंगडम पढ़ के। तो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फीट इन केस ऑफ मैमल। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल इज कम्प्लीट, लेट अस टॉक अबाउट
लेट मी यूज सम अदर मार्कर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट इन मैमल्स. देखो जितने भी मैमल्स हैं उनके पास ना तीन अलग अलग तरह के फीट होते हैं. एक होता है प्लांटीग्रेड, एक होता है डिजिटीग्रेड, और मैं ना अंग्लेट्स वर्ड लिख रहा था आपका आरटीओ डक्टाइल और पैसो डक्टाइल में, तो उसी को बताने के लिए बता रहा हूँ. तीसरा होता है अंग्लीग्रेड. तो फर्स्ट देयर आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्लांटीग्रेड, सेकेंड इज डिजिटीग्रेड, एंड थर्ड इज अंग्लीग्रेड्स. अंग्लीग्रेड्स वो एनिमल होते हैं जिनके पास ऐसे पैर होते हैं. मैं ये बताना चाह रहा था आपको कैसे होते सर, ये भी तो बता दो. पहले प्लांटीग्रेड डिस्कस कर दो. इफ आई डिफाइन प्लांटीग्रेड हेयर, देखो प्लांटीग्रेड वो एनिमल होते हैं या वो फीट होते हैं जो अपना चलते वक्त पूरा पैर ज़मीन पर रखे. ये ज़मीन है, नहीं ये मेरा हाथ है, नहीं ये ज़मीन है. दोज एनिमल विच पुट द कम्प्लीट लेग, कम्प्लीट फीट ऑन लैंड व्हेन दे हैव बीन वॉकिंग. ऐसे फीट के लिए, ऐसे एनिमल को बोलते हैं प्लांटीग्रेड टाइप ऑफ एनिमल, और ऐसे फीट को बोलते हैं प्लांटीग्रेड फीट. तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन, दैट दोज दैट प्लेस द फुल लेंथ ऑफ फुट ड्यूरिंग लोकोमोशन, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं जो हूं मैं प्लांटीग्रेड हूं, मेरे पूरे दोनों पैर अभी जमीन के ऊपर टिके हुए हैं. तो ह्यूमंस आर प्लांटीग्रेड, इवन बियर्स आर प्लांटीग्रेड. ह्यूमन एंड बियर दे बोथ आर प्लांटीग्रेड. अब बात करते हैं डिजिटीग्रेड एनिमल की. देखो बच्चों डिजिटीग्रेड वो होते हैं जो वॉक करते हैं विद मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर डिजिट. सिर्फ वो डिजिट पे ही वॉक करते हैं, जब वो वॉक कर रहे हैं उनके सोल्स वगैरह अटैच नहीं होते विद द ग्राउंड. सो दे वॉक विद मोस्ट लेंथ ऑफ द डिजिट्स ओनली. अच्छा इसमें ना मैं एग्जांपल देने से पहले आपको बता देता हूँ. कई बार आपने देखा होगा हाउ डॉग्स वॉक, हाउ कैट वॉक. तो डॉग और कैट जब वॉक करते हैं तो अपने डिजिट्स वगैरह को नहीं रखते हैं ज़मीन के ऊपर. तो आई कैन से डैट द सोल इज नॉट कम्प्लीटली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. सोल इज नॉट इन द कम्प्लीट कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ओनली डिजिट्स आर ऑन द ग्राउंड. उसको बोलते हैं डिजिटीग्रेड. कौन होता है? डॉग एंड केट. एग्जाम्पल डॉग एंड केट. अब आता है अंग्लीग्रेड के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और जिसको समझाने के लिए ये सब चीज बताई जा रही है. दोज एनिमल विच हैव विच यूज देयर टिप टोज, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं हूफ. जब वो चलते हैं तो अपने हूफ को ही जमीन के ऊपर रखते हैं, उनकी जो टोज की टिप होती है सिर्फ उसी को रख रहे हैं. सो स्पीशीज और एनिमल विच यूज देयर टिप टॉप, ऑफन कॉल्ड एज हूव्स, which place their tip top or hooves on the ground, they are known as angligrades. They place or use tip toes, often called as hooves. तो आप याद रख लेना बच्चे, जितने भी आप पढ़ोगे, काउ के बारे में आप पढ़ लो, बुफेलो के बारे में आप पढ़ लो, ये सब क्या होते हैं, इवन डियर के बारे में आप पढ़ लो, हॉर्स के बारे में आप पढ़ लो, सब क्या होते हैं? अंग्लीग्रेड. सो डियर एंड हॉर्स, दीज बोथ एनिमल आर अंग्लीग्रेड. तो अंग्लीग्रेड्स बेटा वो होते हैं जिनके पास ना हूव्स वगैरह आ जाते हैं, फिर वो नंबर ऑफ टोज ओ वन या ओ डे, तो हमने अलग अलग उनका ऑर्डर भी बना दिया था. अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़, ह्यूमन के बारे में बात करते हैं. जब ह्यूमन चल रहे हैं, जब आप वॉक करते हो, तो क्या अपना पूरा सोल को रेस्ट करते हो ज़मीन पर? आंसर इज नो.
ह्यूमन रिमेन्स प्लैंटीग्रेड वैन दे आर रेस्टिंग और ड्यूरिंग लोकोमोशन दे ओनली एंड ओनली यूज देयर टोज. जब आप मूव करते हैं तो आप जब रनिंग की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने टोज को यूज कर रहे हैं रनिंग के लिए. ऐसे ह्यूमन्स के लिए वर्ड यूज करते हैं सब प्लांटीग्रेड एज वेल. जब ह्यूमन रन वगैरह कर रहे हैं, जब ह्यूमन भाग रहे हैं तो दे बिकम अपॉन रनिंग ह्यूमन बिकम सब प्लांटीग्रेड. और सब प्लांटीग्रेड क्यों हो जाता है, क्योंकि जनरली आप अपने टोज वगैरह को यूज करें. भाग के देख लेना तो पता चल जाएगा, पूरा पूरा पैर तो नहीं रखना है. ठीक है, तो अगर कभी पूछा गया कि ह्यूमन अपॉन रनिंग इज प्लांटीग्रेड और सब प्लांटीग्रेड, तो सब प्लांटीग्रेड आंसर कर देना. ठीक है, फाइन. सो दिस हेयर वी कंप्लीट अवर चैप्टर एनिमल किंगडम. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पेशेंस यू गाइस आर हैविंग. वीडियो थोड़ा लेंदी, आई गेस आपने दो तीन पार्ट में इसको देखा होगा जैसा इंस्ट्रक्शन मिले थे. असाइनमेंट भी मिल जाएगा आज शाम तक, असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए. और फिर टेट्रापोडा का एक टेस्ट बचा है और एक कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट बचा है, कंप्लीट हेमिकोडेटा एंड कोडेटा. दो टेस्ट हो देने फाइनल टेस्ट से पहले. टेक केयर, दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई विश यू वेरी गुड लक फॉर लर्निंग. थैंक यू, क्लास इज ओवर.